So we are going to live and start organic first. Today is only session. आज हम आज के सेशन में सिर्फ ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो उसके बाद में बाकी सब चलेंगे इनऑर्गेनिक फिजिकल, ठीक है? बाकी सारे भी वीडियोस आएंगे और बाकी सारे टीचर्स भी आपको सिखाएंगे, तो बने रहिएगा आज भी। तो आज हम ऑर्गेनिक का सेशन चालू करने वाले हैं। फटाफट से दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फटाफट से बताइए उनको कि सर आज ऑर्गेनिक का स्टार्ट होने वाला है, या दोस्तों को बताइए अपने फटाफट से कि हम आज ऑर्गेनिक का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जुड़ जाइए करके उनके, बताइए फटाफट से। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑर्गेनिक सेशन, तो जुड़ जाइए दोस्तों मेरे साथ फटाफट से। गुड मॉर्निंग मंजू, अ वेरी गुड मॉर्निंग, अनएक्सपेक्टेड, वेरी नाइस। मुझे लगा था कि बहुत सारे लोग दिखेंगे नहीं, लेकिन आप आ चुके हो, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम ऑर्गेनिक का सेशन। हमने ये ऑर्गेनिक का सेशन स्टार्ट करना है और मुझे स्पाइरो कंपाउंड्स में अगर क्या करना है, नंबरिंग। तो छोटी रिंग से नंबरिंग की जाती है, छोटी रिंग से नंबरिंग स्टार्ट की जाएंगी। छोटी रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम, स्टार्ट करेंगे छोटी रिंग। कैसी सर? गुड मॉर्निंग नम्रता शर्मा जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। छोटी रिंग मीन्स दिस इज अ फ्यूज कॉमन कार्बन। ये क्या है? एक ब्रिज कार्बन है जो कि कॉमन एटम पर है, वहां पर दो रिंग अटैच है। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर कितने कार्बन एटम है इस साइड में, यहाँ पर चार कार्बन एटम है, और यहाँ पर इस साइड में कितने कार्बन एटम है, इस साइड में तीन कार्बन एटम है। तो इसका नाम बता सकते हैं आप क्या होगा? इस साइड में 5 कार्बन है, इस साइड में कितने कार्बन है? यस, इस साइड में 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन वाली छोटी है। शीतल जी अ वेरी गुड मॉर्निंग, एंड दोस हु आर वॉचिंग उन्हें भी बता दीजिए कि फटाफट से ऑनलाइन आ जाइए, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक का सेशन आज स्टार्ट हुआ है पहले। तो फटाफट से बता दीजिए, अ वेरी गुड मॉर्निंग आरती जी। तो ये देखिए यहाँ पर इधर 4 कार्बन है, इधर 5 कार्बन है। तो हमेशा हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? नंबरिंग हमें जो फ्यूज्ड कार्बन एटम है वहां से हमें स्टार्ट नहीं करनी है। हमें कहाँ से करनी होती है? जहां पर सब्स्टिट्यूएंट है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है। मतलब सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है तो छोटी रिंग मतलब जहां कम कार्बन है उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे स्टार्ट। अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर रिस्पेक्टेड सर, ओके, इंस्पायर्ड बाय केमिस्ट्री, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग। दिस बी आर ग्रुप इज अ सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 4। तो हम फिर ब्रिजिंग नंबर को देंगे नंबरिंग, ठीक है? 5 जो कॉमन एटम था, कॉमन कार्बन था, जो दो रिंग में वहां पर हम नंबरिंग देंगे। फिर आप ऊपर आइधर ऊपर दीजिए आइधर नीचे दीजिए, सेम है, इसलिए यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6 7 8 9 एंड 10, क्लियर? सो हियर वी गॉट दैट 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ब्रोमो। तो ये अगर एक कॉमन एटम से दो रिंग अटैच है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पाइरो, ठीक है? एंड इधर कितने कार्बन थे? 5, इधर इधर 4 थे और इधर 5 थे। तो जब भी आपको लिखना रहा तो आप कैसे लिखेंगे? छोटे रिंग में जितने कार्बन है, मतलब कितने कार्बन है, 4। तो पहले छोटे से बड़े की तरफ जाना है, हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है, मतलब छोटी रिंग जो होगी उसका पहले हम नंबर देंगे, ठीक है? यस समृद्धि जी, नम्रता जी, ऑल ऑफ यू गाइस, वेरी गुड। तो यहाँ पर आ चुके हैं सब लोग। तो 4 5 एंड कितने हो गए टोटल कार्बन एटम? डीके, तो इसे हम डीकेन बोलेंगे। 10 है, कितने एटम? 10 है, तो इसे 1 ब्रोमो स्पाइरो 4 5 डीकेन कहेंगे, क्लियर? यस, कहाँ पर दिख रहा है ऐसा आपको? 1 ब्रोमो, ये तो दोनों कट गए थे पहले ही। 2 लिखा है सर, 2 होता ही नहीं है, 2 1 ही होता है, ये तो कट गया सर क्योंकि इसने 5 4 लिख दिया है, उल्टा डिक्रीजिंग लिख दिया है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। अ वेरी गुड मॉर्निंग रसिका जी, यस। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी सवाल था सर ये, इसका नंबरिंग भी हमें आती है, ये फटाफट से बता दीजिए ताकि आपको बिल्कुल भी झिझक ना हो। और सबसे पहले बताइए मुझे ये, देखिए यहाँ पे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपको बताना है, तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में ये 2Z बोला है, 2E बोला है, 2E और 2Z बोला है, तो सबसे पहले EZ निकाल दीजिए। आप क्या करेंगे इसमें, EZ निकालेंगे। EZ अगर निकालना है तो सर क्या करते हैं, हम नंबरिंग करते हैं। अगर इस अल्किन से हमें नंबरिंग करना है, ऊपर तो एल्डिहाइड है, इधर से एच थ्री है, तो 1 इसे देंगे एल्डिहाइड को। अब इधर 1 कहाँ देंगे, इस हाइड्रोजन को, या इधर तो हाइड्रोजन होगा ना, लेकिन हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर कम है, तो कार्बन का नंबर 1 है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसे नंबर 1 देंगे। तो 1 1 कैसे है सर, सेम साइड में, अगर सेम साइड में होगा तो जेड है, तो ई वाले ऑप्शन कट हो जाएंगे सर, ई वाले ऑप्शन कट हो गए, तो जेड आ गया। यस सर, तो जेड आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका कॉन्फिगरेशन निकाल लेंगे। देखिए काफी इजी है, कॉन्फिगरेशन कैसे निकालते हैं, सीएल को यहाँ पर इस सेंटर का कॉन्फिगरेशन हमें निकालना है, काइरल सेंटर का, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है सबसे पहले उसको नंबरिंग करते हैं, यस 1। फिर इधर लेफ्ट में गए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो यहाँ पे कौन जीत जाएगा, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो कौन जीत जाएगा, यहाँ 2 जीत जाएगा, इधर डबल बॉन्ड वाला, ये 3 इधर जीत जाएगा, और फोर्थ में है हाइड्रोजन, ठीक है, फोर्थ में हाइड्रोजन, तो 1 2 3 ये कैसा आ रहा था सर, ऐसा आ रहा है, तो ये क्या से आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। कैसे, अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें अपूर्व, अरे यस, नंबरिंग सर कभी भी फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट की जाती है, मतलब एल्डिहाइड को 1, इसे 2, इसे 3 और इसे 4 देंगे, इसे 5 देंगे, इसे 6 देंगे, मतलब 4 का क्या आया है, ऐसा आया है, देखिए 4 का ऐसा है, और इन्होंने R दिया है, काफी गलत आंसर दे दिया है, और इसका सही आंसर हो गया है सर, देखिए 4S6R, 6R कैसे निकालेंगे, 6 को ये OH का R कैसे निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पर वेज में OH होगा, H होगा, ठीक है, और इसी इसकी नंबरिंग करेंगे, तो OH को 1, इसे 2 देंगे, इस साइड में 3 देंगे, और इसे 4 देंगे, और ये भी S आ रहा था, लेकिन 6 S आ रहा था, लेकिन 4th प्रायोरिटी को अबाउट द प्लेन है, तो ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, मतलब 6 R हो जाएगा, देखिए R है क्या इसका, यस सर R आया है, मतलब हमने जो किया है वो करेक्ट है, मतलब सबसे पहले अल्फाबेटिकल में कौन आएगा सर, 4 नंबर पे क्या है, क्लोरो है, तो क्लोरो आएगा सबसे पहले, फिर कौन आएगा, 6 नंबर पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, सेकेंडरी ले लिया हमने प्राइमरी, ठीक है, उसके बाद में 2 मिथाइल, मिथाइल हेप्टेन, कितने हैं कार्बन यहाँ पर, 6 के बाद 7 और ये 8, ठीक है, 7 तक ही हमने लिया यहाँ पर, है ना, ये 6 और ये 7, ठीक है, तो ये मिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन 2 इन एल क्यों लगाया, एल्डिहाइड की वजह से, यस, और इन क्यों लिखा है, क्योंकि 2 पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए, क्लियर, यस वेरी गुड, आरती सौम्या समृद्धि जी मधुदाई अपूर्वा रसिका, यस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, गुड मॉर्निंग है, एकदम मॉर्निंग हो गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से, चलिए सब लोग जुड़ चुके हैं, बढ़िया, काफी मजा आ रही है, वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है, क्लियर है सारे क्वेश्चंस, इजी है ये आपके लिए, बहुत इजी है ये, यस नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फिर, बहुत ही फटाफट से हम आंसर की तरफ जाएंगे, ना अपना टाइम गवाते हुए फटाफट से हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्योंकि सर बचे हैं सिर्फ आज की दूसरी तारीख है अप्रैल की, और हमारे पास सिर्फ 4-5 दिन बचे हैं, फटाफट कीजिए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, इसे मैंने 5 नंबर दे दिया, फिर अब 6 7 8 9 और ये 10, ऐसे नंबरिंग करती है मैंने, ऐसे नंबरिंग क्यों की है सर, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, बाद में सब्स्टिट्यूएंट की होती है, ये तो आपको पता है, नहीं पता होगा तो भी कोई बात नहीं, अभी लिख के रख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर R N S, ये सबसे पहले Z है या E है सर, ये दोनों Z है या E है, देखिए ये 1 और 1 सेम साइड में दिख रहा है, मतलब हाइड्रोजन भी सेम साइड में दिख रहा है, मतलब Z है,
ठीक है, इसे वन दे दिया, इसे टू दे दिया हाइड्रोजन को, इधर वन दे दिया, इसे टू दे दिया, तो टू टू सेम साइड में दिख रहे हैं, मतलब जेड है, तो जेड वाले ऑप्शन आएंगे। सर ये देखिए, ये देखिए, ये भी कट गया, बस एक ही ऑप्शन है, सब अच्छा है, जहां पर वन जेड लिखा है। क्या कहाँ पर बचा है? एक ही ऑप्शन, सिर्फ एक ही ऑप्शन लिखा है वहां पर, वन जेड लिखा है। ये तो दोनों ई है, ये वन ई है, ये भी वन ई, ये भी फोर ई लिखा है, तो वन जेड और फाइव एस ही आएगा सर, मतलब एक ही ऑप्शन। देखिए कितना इजी दिया है, मतलब इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता है ना। हर्षद तपासे, गुड मॉर्निंग। अपूर्वा समृद्धि, वेरी नाइस। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ गया? सेकेंड। अपूर्वा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आएगा है ना, तो फर्स्ट ई तो होगा ही नहीं सर, ई कैसे होगा, जेड ही होगा, क्लियर। और यहाँ पर आर एस अगर हम निकालेंगे तो आर एस कैसे आएगा सर? बहुत इजी है, कैसे निकालेंगे? कार्बन नंबर, यहाँ पर कार्बन है, फिर कार्बन नेक्स्ट लगा है, फिर यहाँ कार्बन है, फिर यहाँ कार्बन है, कार्बन इधर वन दे देंगे, इधर टू, इधर थ्री दे देंगे, इधर फोर दे देंगे, वन टू थ्री, ये आर आ जाएगा, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबाउ द प्लेन है, इसलिए वो एस हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी देखो, मिथाइल ग्रुप अबाउट द प्लेन है, तो क्या हो गया है? एस हो गया है, वेरी नाइस। सब लोग जुड़ चुके हैं, कृष्णा शायद, वेरी नाइस। सर राजू सर का क्लास होने वाला है ना आज? नहीं आज नहीं हो पाएगा, इंस्पायर्ड बाय केमिस्ट्री, लेकिन बाद में जरूर होगा, कल होगा, आज नहीं हो पाएगा, ठीक है, कल आराम से। तो आप सब लोग जुड़े रहिए। तो यहाँ पर थ्री फोर फाइव, फाइव का क्या आया? ऐसा आया सर, ठीक है, फाइव का ऐसा है, करेक्ट, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पूछा है आपसे, क्लियर है आपको, सब सबको क्लियर है, वेरी नाइस। आईयूपीएससी नेम ऑफ कैम्फोर, कैम्फोर देखिए, सबसे पहले आपको कैम्फोर का स्ट्रक्चर आना चाहिए, अगर कैम्फोर का स्ट्रक्चर नहीं आएगा, अरे ठीक है, कैम्फोर, कैम्फोर का स्ट्रक्चर क्या है? कैम्फोर का स्ट्रक्चर कैसा है? देखो यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप है सबसे इम्पोर्टेंट, और यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है और ये कैम्फोर का स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहले तो आपको कैम्फोर का स्ट्रक्चर आना चाहिए। गुड मॉर्निंग गुरुजी, आई एम फ्रॉम तेलंगाना, अ वेरी गुड मॉर्निंग दीपक, वेरी गुड मॉर्निंग लर्निंग। तो हमें कैम्फोर का स्ट्रक्चर आना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट। कैम्फोर का अगर स्ट्रक्चर आ जाता है, उसके बाद आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी कहाँ से? ब्रिजिंग एटम से। ब्रिजिंग कॉमन एटम कौन से है? यहाँ पर आपको दो ब्रिजिंग एटम दिख रहे हैं, तो ब्रिजिंग एटम से आपको सर रिएक्शन मैकेनिज्म सॉल्व करो ना। बिल्कुल बिल्कुल जादू जी, रिएक्शन मैकेनिज्म भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें वेट कर लेते हैं, क्योंकि आईयूपीएससी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबके लिए सबसे पहले सोचना पड़ेगा है ना, तो ये भी करेंगे, बाकी सब भी करेंगे। पूजा, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस, आप आ चुके हैं, वो अच्छा लग रहा है, बस आप ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही, ठीक है। तो ब्रिजिंग एटम से पहले, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर, तो याद रखना ये ब्रिजिंग कंपाउंड्स में हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं? सबसे पहले ब्रिजिंग कार्बन एटम से हम नंबरिंग करते हैं, उसके बाद इधर नंबर टू देंगे। इधर लेफ्ट साइड में क्यों नहीं गए? क्योंकि उधर कार्बोनिल नहीं था सर, राइट साइड में कार्बोनिल था सर। वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स और सेवन नंबर हम ऊपर वाले ब्रिजिंग वाले कार्बन एटम को देंगे। ओके क्लियर। नाउ हियर वी आर गोइंग टू राइट द नेम। वन वन पर देखिए, वन पर है, सेवन पर है और सेवन पर है, मतलब यहाँ पर मिथाइल कहाँ कहाँ पर है? देखिए कौन से एटम पर है, वन एटम पर है, फर्स्ट वाले कार्बन एटम पर है, फिर थ्री वाले कार्बन एटम पर है, फिर सेवन वाले कार्बन एटम, सॉरी थ्री वाले पे नहीं है, सेवन वाले कार्बन एटम पर दो मिथाइल, ठीक है, तो वन सेवन सेवन, क्या बोलेंगे हम इसे? ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल बाय साइक्लो, बाय साइक्लो टू 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 वन। ऐसा क्यों बोल रहा है सर, टू टू वन क्यों बोल रहा है? सबसे पहले ये बात बताइए, टू टू वन क्या है? ये देखिए, जब ब्रिजिंग एटम है ना, ब्रिजिंग एटम के बाजू में लेफ्ट साइड में यहाँ पे कितने कार्बन है? टू कार्बन है। राइट साइड में कितने कार्बन है? टू कार्बन, ठीक है, और ऊपर में कितने हैं? वन कार्बन एटम है, इसलिए हम इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, टू 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 वन। कैसे लिखा है हमने? इधर से टू लिखा है, इधर से टू कार्बन है और यहाँ पर एक ही कार्बन है, इसलिए हमने टू टू वन लिखा है। और टोटल एटम्स कितने थे? सेवन, तो हेप्टेन आ जाएगा, और हेप्टेन के बाद आ जाएगा यहाँ पर टू वन,
बंद क्यों लिखा हमने, कार्बोनिल ग्रुप को, कीटोन ग्रुप को हमने बंद लिखा है, क्लियर, ये सबको आ जाएगा। यस, ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, 8, 10, 2, 1, क्लियर। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ये फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ एलिमिनेट हो जाएंगे सर, और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन, हमें दिमाग एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। यस क्लियर, वेरी नाइस, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अरे भैया जी आपने क्या कर दिया है, ये 2, 1, 2 कैसे होगा, ब्रजराज 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 कैसे होगा, बी हो, यस वेरी नाइस। यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल रही है 1 रुपीज में, जल्दी से जल्दी अवॉइड कीजिए MSET टेस्ट सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज है जस्ट फॉर फ्लैट, 99 ऑफ है, कोड यूज करना है आपको IFAS 99 रुपीज, ओके। सो ये रिजल्ट्स है, यहाँ पे देखिए आपके लिए एक MSET 2024 प्रैक्टिस पिक मॉक टेस्ट है 2 को केमिकल साइंस की, तो डेट है 2 अप्रैल 2024, देखिए आज के दिन टाइम 8 AM ऑनवर्ड्स, यहाँ पर ओनली ऑन IFS वेबसाइट, आप यहाँ पर फटाफट से क्या कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट आज के दिन, तो फटाफट से आप मॉक टेस्ट दे दीजिए जल्दी से जाके। सर टेस्ट सीरीज ऑप्शन नहीं आ रहा है, अच्छा एक बार कॉन्टेक्ट कीजिए ये नंबर से, ये देखिए ये नंबर दिया है आपको 9172266888 पर, ये कॉल कर लीजिए आप, ठीक है। यस एक बार कॉल कर लीजिए, अगर वो कुछ बताते हैं तो उस तरीके से गाइड करेंगे आपको, आप वहां से एक बार गाइड कर लेना खुद को, ठीक है। अ मॉक टेस्ट इज नॉट जस्ट अ सिमुलेशन एंड अ रेफरल फॉर योर बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। यस तो ये IFS के वेबसाइट पर है और मॉक टेस्ट है, जल्दी से टेस्ट दे दो भाइयों, यह 2 तारीख है आज की, और 8 बजे के बाद से आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं, फटाफट जाकर टेस्ट का ले लीजिए फायदा और देख लीजिएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं ना। इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है 1, 2, 3 कैसे नंबरिंग करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सर, क्या हम फिनाइल ग्रुप को ऐसे पकड़ सकते हैं, यस सर, तो इसे 1, 2, 3, 4, 5 नंबर देंगे, देखिए 1 पर 2 पर 3 पर आपको देखना है, 2 और 3 पर क्या है, 2 और 3 पर डाई ब्रोमो है, कैसा है, डाई ब्रोमो फिनाइल, क्या आ जाएगा, डाई ब्रोमो फिनाइल पेंटाइल, क्या आएगा, पेंट है क्योंकि कार्बन एटम कितने हैं, 5 है, तो पेंटाइल YL और बेंजीन बोलेंगे हम, एक बेंजीन को हमने क्या लिया है यहाँ पर, एक सब्स्टिट्यूएंट लिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, 3 ड्राई ब्रोमो पेंटाइल बेंजीन, ये ऐसा आएगा नहीं सर, 5 पर 2 पर 3 पर नहीं आएगा, यस 1 फिनाइल ऐसा नहीं आ पाएगा, 2, 3, 1 फिनाइल पेंटेन, नो फिनाइल नहीं, यहाँ पे भी पेंटेन लिखा है, 4, 3 डाई ब्रोमो पहले बाद में लिखा है और फिनाइल पहले लिखा है, ये तो होता ही नहीं भाई साहब। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, केम स्पेसिफिक देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन कैसे आया, फर्स्ट वाला करेक्ट है, केम स्पेसिफिक क्या आप करेक्ट हो चुके हैं, यस 2, 3 डाई ब्रोमो पेंटाइल बेंजीन, क्या है ये, बेंजीन, तो फिनाइल लिखा है इन तीनों में, तो फिनाइल तो बेटा जी लिखते ही नहीं है, ऐसा फिनाइल कैसे लिख रहे हैं इन लोग, गलत है ये, ठीक है करेक्ट कर लो आप, यस ये वैष्णवी ये भी करेक्ट कर लेना, ये कौन सा है ऑप्शन, इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बताइए इसका नंबरिंग बताइए, बाईसाइक्लो 2-2-2 ऑक्टेन, मतलब 2 कार्बन इस साइड में भी चाहिए, 2 कार्बन इस साइड में भी और 2 कार्बन बीच में भी चाहिए, ब्रिजिंग में 2 ब्रिजिंग एटम बना लेंगे, 2 कार्बन इधर लगा देंगे, 2 कार्बन इधर लगा देंगे और 2 कार्बन इधर लगा देंगे, कौन सा स्ट्रक्चर बन गया सर, देखिए देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, 2 कार्बन इधर है, ब्रिजिंग कार्बन एटम ये वाला है, इधर 2 कार्बन है, इस साइड में भी 2 कार्बन है और इस साइड में भी 2 कार्बन है सर, वेरी वेरी नाइस, ये है बाईसाइक्लो 2-2-2 क्या बोलेंगे इसे, ऑक्टेन, क्या बोलेंगे, बाईसाइक्लो 2-2-2 ऑक्टेन, 1, 2, 3 ब्रिजिंग एटम से नंबरिंग कीजिए, 4, 5, 6, 7, 8 देखिए इसे क्या बोलते हैं, इसे हम नाम देते हैं बाईसाइक्लो, सबका नाम बता देता हूँ, सबका नाम बता देंगे, बिल्कुल बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, 2-2-2 ऑक्टेन, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट आंसर बताइए, नेक्स्ट इसका बताइए ब्रिजिंग एटम का इधर कितना है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 किधर नंबरिंग जाते हैं हम, यस नंबरिंग कौन से साइड में जाएंगे, 1
इधर कार्बन एटम इधर है, तीन है, तो इधर तीन की तरफ जाएंगे, मतलब बड़ी रिंग की तरफ जाएंगे, इसलिए 1 2 3, ठीक है। फिर ये 4, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो चुकी है, ब्रिजिंग एटम से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 6 और 7, ऊपर और नीचे दोनों सेम सेम एटम है, ऊपर भी नीचे दो एटम है, नीचे भी दो एटम है, तो इसलिए कहीं पे भी नंबरिंग कर सकते हैं आप, 6 7 8 9। तो इसमें क्या आ जाएगा सर, बाईसाइक्लो, इसका क्या नाम आ जाएगा, इसका नाम क्या आ जाएगा, बाईसाइक्लो, बाई साइक्लो क्या आ जाएगा। एक साइड में 3 कार्बन एटम, इस साइड में देखिए कितने कार्बन एटम है, 3 है, इस साइड में कितने है, 2 है, इधर कितने ऊपर में 2 है, तो 3 कार्बन 3, फिर कॉमा 2 कॉमा 2, फिर टोटल एटम कितने हैं, 8 है, 8 है, मतलब ऑक्टेन, क्लियर, यस, सबको आ जाएगा, वेरी गुड। ये ब्रीजिंग कार्बन एटम है, ब्रीजिंग कार्बन एटम से हमें नंबरिंग करनी है, इस साइड में बड़ी रिंग की तरफ पहले जाते हैं हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस साइड में 2 कार्बन है, इस साइड में 4 कार्बन एटम है, कैसे गिन रहे हैं ये देखिए, 4 कार्बन एटम है, तो बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो कितना एटम है, 4 है सर, इधर कितने हैं, 2 है सर, और टोटल कितने हैं सर, यहाँ पर 6 है, मतलब हेक्सेन, क्लियर, ये लिख लेंगे आप, ये होमवर्क है आपके लिए, बिल्कुल होमवर्क, आपको ये करना है, डी का आंसर लिखना है, क्लियर, यस, सबको आ जाएगा, वेरी गुड, वेरी गुड सर। लास्ट क्वेश्चन में रिंग को पेरेंट रिंग क्यों कंसिडर किया, बाहर तो फंक्शनल ग्रुप में है, तो यूज पेरेंट चेन कंसिडर मेरी है, हाँ यस यस, पेरेंट चेन हमें उसे ही कंसिडर करना पड़ेगा, किसे, बेंजीन रिंग को, यस, क्योंकि उसका स्पेशल नाम है बेंजीन, है ना, बेंजीन रिंग है, यस, वेरी गुड, ठीक है, यस, और यहाँ पर 0 भी आ जाएगा क्योंकि ब्रीजिंग एटम है, तो 0 भी आ जाएगा, यस, 0 भी, सर टोटल 9, नॉन एन 9 है, 9 है क्या, कहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 82 है यहाँ पर, यहाँ पे कितना, 1 2 3, हाँ नॉन एन, ये नॉन एन है, नॉन नहीं, यस 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 करेक्ट, ये नॉन एन है, लास्ट वाला नॉन एन है, बाईसाइक्लो वाला, ये नॉन एन है, 9 कार्बन एटम है ना, तो नॉन एन, ठीक है, और इधर कितने थे, हेक्सेन, ठीक है, इधर हेक्सेन, यस यस, हाँ यस यस, 0 आएगा, 0 आएगा, यस 0 आएगा, और ब्रिजिंग का नंबरिंग भी पूछते हैं, ब्रिजिंग में अगर 0 आ गया है तो 0 कहाँ पर अटैच है, 1 कार्बन एटम और 6 कार्बन एटम, मतलब ये 0 को, 0 के 0 लिखने के बाद भी क्या करते हैं वो, यहाँ पर पूछते हैं कि वो कौन से नंबर आइटम पर है, 6 1 और 6 पर है, और फिर हेक्सेन लिखेंगे, क्लियर, ऐसे भी लिखना, मतलब ये कौन से कार्बन आइटम से है अटैच, ये यहाँ पर रिंग से अटैच है, ये वाले, ठीक है। हाँ इजाज, आपके लिए नहीं क्या, आरपीएससी चैनल पर मैंने अच्छे से बताया है, आरपीएससी चैनल पर मैंने आईयूपीएससी पूरा लिया है, बाईसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड, वहां से आप एक बार देख लेना आरपीएससी चैनल पर, ठीक है, वहां पे पूरे वीडियोस हैं मेरे स्पाइरो कंपाउंड्स के, बाईफिनल्स के, बाईसाइक्लो के, सारे एकदम डिटेल में है, तो आप वहां से सब कुछ देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, एकदम प्रॉपर, बिल्कुल एकदम प्रॉपर समझ में आ जाएगा, यस, ये भी लिया है मैंने यहाँ, वहां पर ये भी मैंने सिखाया कि ये कैसे 1 और 6 बताते हैं करके, ठीक है, तो वहां से आप बिल्कुल प्रॉपरली ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जेड है, ये सबसे पहले तो ये जेड जेड ई वाला यहाँ से ऑप्शन हटा दीजिए, जो 2 है तो 2 है, तो यहाँ पे सीएल को इसको 1 दे देंगे, अब इधर इधर भी 1 दे देंगे, मतलब 1 1 सेम साइड में, मतलब ये जेड है, जेड है तो ई वाला ऑप्शन हट गया, ई वाला ऑप्शन हट गया, तो इसमें जेड वाला ऑप्शन आ रहा है, तो 2 जेड आएगा पहले, फिर 2 जेड आएगा, तो ये वाला ई देखिए ई है या जेड है,
ये क्या है सर, यहाँ पर नंबर वन दे दिया इसको कार्बन एटम को, इधर हाइड्रोजन को टू दे देंगे, इधर हाइड्रोजन को टू दे देंगे, इस कार्बन को नंबर वन दे देंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर वन है और वन वन अपोजिट आ रहे हैं, मतलब ये ई अल्किन है, मतलब नेक्स्ट वाली क्या है, ये इन्होंने जेड दिया है, ये आंसर गलत है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्टली करेक्ट ऑप्शन आ चुका है, बाद में हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ई जेड से ही हमारा आंसर आ चुका है। फिर थ्री क्या आ जाएगा, थ्री क्लोरो आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, थ्री क्लोरो हेक्स टू फोर डाई इन क्या आएगा, डाई इन वन सिक्स डायोल, कितना है, वन और सिक्स पर दो OH ग्रुप अटैच है, 1,6-diol, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से हमें अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ लेना है, इस डेट से ये सारा आंसर आ रहा है, तो पूरा नॉमेनक्लेचर निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। यस, बहुत ही इजी है, वेरी गुड। तो यहाँ पे बताइए, ये सबसे खतरनाक और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये आपको नॉमेनक्लेचर आ गया, वेरी गुड, तो बहुत ही आप सही कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कौन से सेट में आया था, मेरे ख्याल से केरला सेट या कर्नाटक सेट में आया है क्वेश्चन, मे बी, या HP सेट में, ठीक है, तो इसमें से एक सेट में कोई तो आंसर क्वेश्चन आया है। यहाँ पे वन, ये टू कार्बन, देखिए कार्बोनिल ग्रुप को हमने नंबरिंग वन दिया है, ठीक है, फिर टू दिया है, फिर थ्री दिया है और फिर फोर दिया है, ठीक है। अब जो टू पर सब्स्टिट्यूएंट है ना, उसको फिर से नंबरिंग कर रहे हैं, क्लियर, तो वन इसे, टू इसे, थ्री इसे, फोर इसे, ठीक है, फाइव और सिक्स, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखना, सबसे पहले हम जो सब्स्टिट्यूएंट टू पर लगा है पूरा पिरिडिन रिंग, उसको हम लिख रहे हैं, सबसे पहले हम किसको लिख रहे हैं, टू पर जो है उसे फोर पर, फोर पर क्या है, नाइट्रोजन है सर, फोर पर अगर नाइट्रोजन है तो पिरिडाइल, पिरिडाइल लिखेंगे उसमें, टू फोर पिरिडाइल, फिर ब्यूट, कितने कार्बन है सर यहाँ पर, चार है, तो ब्यूट लिखेंगे, और थ्री पर क्या है, थ्री पर YNE, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो YN, और OL क्यों लिख रहे हैं हम, OYL, ये हम कार्बोनिल ग्रुप के लिए, क्योंकि वहां पर ब्रोमाइड प्रेजेंट है उसका कार्बोनिल, ठीक है, और साथ में ब्रोमाइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड, यस। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ब्यूट YN4, फोर नहीं है यहाँ पर, फोर क्यों लिखेंगे, ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फिर हमारा थ्री वन, यहाँ से टू, ये वाला टू वाला तो है नहीं, टू फोर पिरिडिन पिरिडाइल ब्यूट टू ओएल ब्रोमाइड, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ये वाला तो हट जाएगा, क्लियर। हाँ नहीं, ये वाला कैसे हट जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट है हमारा, ये वाला आंसर रॉन्ग है, यस। आरती गुड, वेरी गुड, साक्षी, सौम्या, रसिका, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड, आप सब लोग सही है एकदम, प्रियंका है, हीरे, ओके वेरी गुड, कैम स्पेसिफिक, यस। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आया है, मतलब ये भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो इसे भी एक बार देख के जाना आंखों के नीचे से, ताकि आपको आ जाए, ठीक है, यस वेरी गुड। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, देखिए आपको क्या क्या पूछा है उन्होंने, ये भी शायद मेरे ख्याल से तेलंगाना स्टेट में पूछा है, तेलंगाना सेट में या कोई तो केरला सेट में या HP सेट में कोई तो है, ठीक है, AP सेट में पूछा है। हाँ, तो यहाँ पर 5-bromo-2-tert-butyl 23N-ionic एसिड, मतलब इसका क्या ऑप्शन सही है ये पूछा है, उन्होंने नाम दे दिया है और आपसे पूछा है कि इसका ऑप्शन क्या सही रहेगा, तो 5-bromo वाला है और पेंटेनोइक, कितने कार्बन है, फाइव कार्बन एटम है, तो फाइव कार्बन एटम्स को लिख लीजिए, कार्बन चार, एक दो तीन चार, और इसे मैं पांच लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पेंटेन 3N-ioic एसिड, तो फाइव पर क्या है सर, अगर हम नंबरिंग यहाँ से कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबरिंग कर देते हैं, तो फाइव पर क्या है, हम पहले ब्रोमीन लगा देंगे, और टू पर क्या है, ऐसा टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, तो टर्ट ब्यूटाइल कैसा ग्रुप होता है, CH3, CH3 और CH3, यस सर डेफिनेटली, इतना तो हमें आता है, फिर टर्ट ब्यूटाइल हो गया मेरे ख्याल से, नहीं, हाँ, पेंट कार्बन हो गया, और थ्री पर क्या है, डबल बॉन्ड, थ्री पर डबल बॉन्ड, थ्री और फोर पर डबल बॉन्ड है, कहाँ पर, इन ओइक एसिड, मतलब वन पर क्या है, एसिड है सर, देखिए काफी आसान, कितना अच्छे तरीके से हमने बना लिए इस सवाल को, कुछ लगा, कुछ भी नहीं लगा सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा,
कुछ करना पड़ा? नहीं सर, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? यस, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। यहाँ पर सारे बाकी सारे ऑप्शन गलत दे चुके हैं। ये देखिए CS3 कहाँ है, ये BR ग्रुप कहाँ पर है, ये BR ग्रुप 4 पर है, तो 5 पर जो आ रहा है वो हमेशा राइट होगा सर। कितना ईजी था। यस वेरी नाइस। नेक्स्ट ऑप्शन बताइए, देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर 30 मार्च को हुआ है, प्रैक्टिस पिक सेकेंड पेपर अप्रैल 2 अप्रैल को है, आज है, मतलब प्रैक्टिस पिक टेस्ट थर्ड वाला वो कब है? 4 अप्रैल को है, और MNSET 2020 पेपर 6 अप्रैल को होने वाला है, सबसे पहले हमारा, उससे उसके बाद MNSET का होने वाला है, ठीक है? तो ये आपका रिवीजन के लिए fsonline.com पर जाइए, फटाफट से रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट, ये यहाँ पर PYQ सेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको, डेमो मिल जाएगा, कट ऑफ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फटाफट से इसका आंसर बताइए सर, इसको हम कैसे नंबरिंग करेंगे? यस, कैसे नंबरिंग करेंगे? एकदम यहाँ पे फटाफट से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसे हम ऐसे नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग अगर हमने ऐसी की है तो यहाँ पर 5 नंबर पे क्या है, 5 नंबर पर ब्यूटाइन है, और 10 है मतलब डिकेन आने वाला है। क्या आने वाला है? डिकेन। तो हेक्सेन आएगा क्या? नहीं आएगा सर, सेकंड ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। ऑक्टेन आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा। और फोर्थ वाला तो सर ऑक्टेन है, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑक्टेन तो सारे हट गए, क्योंकि 10 नंबर कार्बन एटम अगर आ चुके हैं तो यहाँ पर कौन सा आना चाहिए? डिकेन आना चाहिए सर। तो डिकेन वाला कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है। यस, मिक्स क्वेश्चन भी लेंगे क्या स्पेसिफिक? यस जरूर जरूर, डेफिनेटली मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर से परेशान हो चुके हो? IUPAC से? हाँ यस, मिक्स क्वेश्चन भी लेंगे। यस ठीक है, तो ये एक नंबरिंग कर लेना बस, इस एक एग्जांपल को हम कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे नंबर 1 2 3, ऐसे मैंने नंबर 1 2 3 कर दिया है। इसका RNS अगर आपको निकालना है तो इसे नंबर 1 दे देंगे, इसका 2 दे देंगे, इसे इसे 3 दे देंगे, इसे 4 दे देंगे, ठीक है? 1 2 3 ये R आ जाएगा, लेकिन ये S हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल प्लेन में, बट ये अबव द प्लेन है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। अगर ये एस हो जाएगा तो ये होता है ऑप्शन, आर नहीं हो पाएगा, ठीक है? एस होता है लेकिन आर नहीं हो पाएगा। अगर एस है तो 1 पर H है, इंडोल है, 4 YL ऑक्साइल, 3 आइसोप्रोपाइल अमीनो, प्रोपेन 2 OL, ठीक है? तो ये यहाँ पर क्या डिफरेंस लग रहा है, सिर्फ यहाँ पर 1 पर है, ठीक है? और दूसरे इसमें यहाँ पर 3 पर दिया है, मतलब यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि ये 3 पर S नहीं है, 2 पर है, ठीक है? 2 पर है, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर ये आपके लिए, मेरे ख्याल से मैं 2 चीजें आपके लिए होमवर्क दे दू, होमवर्क दे दू, नहीं ये आ जाएगा, इजी है, आ जाएगा, कर लेना फिर फटाफट से कर लेंगे आप। ये आपके लिए होमवर्क है, बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? यस, ये वाला भी, ठीक है? और ये वाला भी, ये भी देख लेना एक, यस, और ये भी। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? थैंक यू, ठीक है? चलिए, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कब स्टार्ट होगा सेशन? यस, हो चुका है अभी सेशन, तो जुड़ जाइए जल्दी से। गुड मॉर्निंग, सबसे पहले एक बार मुझे बताइए चैट में, एम आई ऑडिबल, स्क्रीन वगैरह विजिबल है? तो सेशन को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर, अब कंटिन्यूस चलेगा सेशन, कहीं पर भी रुकावट नहीं आएगी। थोड़ी देर पहले थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से सेशन रुक गया था, बट कोई बात नहीं, अब तो कंटिन्यूस चलेगा। मैं आऊंगा, फिर उसके बाद सुरेश सर आएंगे, फिर वही सेशन चालू रहेंगे, राजू सर भी हमारे पास जुड़ेंगे, ठीक है? एक बार मुझे बताइए चैट में, एम आई ऑडिबल, आवाज बराबर से आ रही है?
कुनकुने भाई यहाँ पर, केम पैसिफिक, प्रियंका, ऋतुजा, श्वेता, राम, एक बार चैट में मुझे बताइए, ऑल क्लियर? ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे हम हर रोज करते हैं वैसे ही क्वेश्चंस लाए हूं मैं आपके लिए इनऑर्गेनिक के, तो आपको लिखना वगैरह तो बिल्कुल नहीं है क्वेश्चंस को, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मंजू, एक बार मुझे मंजू कंफर्म कीजिए चैट में आवाज बराबर है, एम आई ऑडिबल, स्क्रीन विजिबल है, तो सेशन को जल्दी से स्टार्ट करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके क्लियर, ओके थैंक यू मंजू। अमरपाली गुड मॉर्निंग, अमरपाली। विनोद खानी सिंह सर, कल आपने D2 कॉन्फ़िगरेशन और 10 DQ वाला क्वेश्चन था वो एक बता दीजिए सर। ठीक है, एट द एंड देख लेंगे, अभी तो इसमें क्वेश्चन वो नहीं होगा, बट हाँ मैं अलग से देखूंगा वो क्वेश्चन। ओके ठीक है, चलिए तो लाइक कीजिए सेशन को, जो भी अपने दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, काफ़ी मजा आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आज भी लाया हूँ मैं इनऑर्गेनिक के, तो वैसे ही जैसे मैं हर रोज कहता हूँ क्वेश्चन को बिल्कुल लिखना नहीं है, सिर्फ स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए, एक पेज और पेन लेकर बैठिए और उसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आपको देना है। अगर कुछ सवाल हो, कुछ डिफिकल्टी हो तो आप बिंदास पूछ सकते हो। ठीक है, तो वही हमारा मोटिव है इस सेशंस को रखने का। अब जैसे आपको पता है सेट की एग्जाम काफी नजदीक आ चुकी है, स्पेशली हम सेट के एग्जाम के लिए इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट, ऐसा नहीं सिर्फ सेट बट जो भी नेट वगैरह भी देते हैं वो भी ऑब्वियसली इसको देख ही सकते हैं। अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, यस और नो, तो बस वही है। चलिए शुरुआत करते हैं आप क्वेश्चंस को। चलिए ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, आई होप चीजें क्लियर हैं। ओके यस, हो जाइए शुरू। चलिए क्या आ रहा है भाई आंसर, सर फिजिकल की क्लास होगी आज, यस बाद में होगी, अभी तो नहीं होगी, शुरुआत आज सर ने नहीं की थी, बट बाद में ले लेंगे सर भी। चलिए नेफ्लेक्सिटिक इफेक्ट के लिए क्वेश्चन है फॉलोइंग, थोड़ा सा मिस्टेक है, हाँ करेक्ट, नेफ्लेक्सिटिक इफेक्ट फॉर द फॉलोइंग इज, चलिए बताइए। क्या आता है भाई आंसर, मंजू सिंह ए, ओके देखते हैं। बाकी क्या है आंसर, अमरपाली आंसर बताइए, जीनत, ऋतुजा, मोहम्मद, चलिए क्या होता है, हमारे पास सीरीज होती है नेफ्लेक्सिटिक की, यस यही होते ना, यहां पर आता है आपका F माइनस, फिर आपका आता है H2O, यहां पर होता है EN, फिर आपका आता है OX2 माइनस, फिर NCS2 माइनस, यहां पर होगा आपका Cl माइनस, CN माइनस, ब्रेजिलियन माइनस है I माइनस,
ये होती है आपकी नेफ्रोलोजेटिक इफेक्ट की सीरीज, यस और नो। अब यहां पर क्या होता है आपका लेस नेफ्रोलोजेटिक इफेक्ट होता है, लेस नेफ्रोलोजेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, और यहां पर होता है आपका मोर नेफ्रोलोजेटिक इफेक्ट, मोर नेफ्रोलोजेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा है, नेफ्रोलोजेटिक इफेक्ट के बारे में पूछा है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपका जो नेफ्रोलोजेटिक इफेक्ट होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किससे, नेफ्रोलोजेटिक पैरामीटर से। जो आपका इफेक्ट है ना वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नेफ्रोलोजेटिक पैरामीटर से। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा है वो आपको देखना है। कभी कभी इफेक्ट भी पूछते हैं, कभी कभी पैरामीटर भी पूछते हैं। तो ऑब्वियसली देखिए एफ माइनस सबसे लीस्ट यहां पर ही है, तो बाकी के आंसर तो वैसे ही आपके कट हो जाएंगे। सो एफ माइनस, फिर आएगा आपका एच टू ओ, फिर आपका एन एच थ्री और फिर ई एन। क्लियर, क्लियर है भाई क्वेश्चन? तो एक बार आपके दोस्तों के भी बता दीजिए, सेशन शुरू हो चुका है, अवधूत सर आ चुके हैं। ठीक है, एक बार लाइक भी कीजिए सेशन को, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, तो बाकी के भी लोग जुड़ जाएंगे यहां पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सेट में, तो बिल्कुल देखने को मिलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। चलिए हो जाए शुरू। अब स्टीरियो आइसोमर्स के ऊपर सवाल है, क्या आएगा द करेक्ट नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर सी यू ई एन थ्राइस। एक्चुअली में ये थ्राइस अंदर चाहिए, हाँ इधर चाहिए, अब आ जाएगा आंसर। मंजू इज सेइंग बी, ओके और क्या क्या आ रहा है, कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर? अगर मैं स्ट्रक्चर निकालूं तो सी यू, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर भी नाइट्रोजन, और यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर भी नाइट्रोजन। यस, ये होता है आपका इसका स्ट्रक्चर। यस और नो? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए? So, number of geometrical isomers plus 1 by 2 into number of optical isomers, ये हमारे पास formula होता है, correct है कि नहीं? अब इसमें no plane of symmetry है, plane of symmetry इसमें बिल्कुल भी present नहीं है। अगर plane of symmetry present नहीं होगी तो ये आपका बन जाएगा optically active। ये कैसा बन जाएगा? optically active बनेगा, तो ये आपके प्लस और माइनस में एग्जिस्ट करेगा। यस और नो? प्लस और माइनस में ये एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए ये इनेंशियोमेरिक फॉर्म में होगा, इनेंशियोमर्स। अब अगर मैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करूं तो एक ही होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो गिवन है वो, तो वन प्लस वन बाई टू। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? दो होंगे ना, प्लस और माइनस, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो रही है तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, so into 2, so ये 2 और 2 कट हो गए, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए भाई? 2। ठीक है,
तो इस तरीके से सॉल्व होती है ये चीजें। इजी क्वेश्चन था काफी। यस, मंजू ने भी कहा है, ऋतुजा इज ऑल्सो सेइंग बी, अक्षय ने भी बोला है, आरती इज ऑल्सो सेइंग बी। यस, वेरी गुड। चलिए, अगर कुछ डाउट नहीं होगा तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़े आगे, क्लियर है? चलिए हो जाए शुरू। ये आपका एक एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। वैसे सेट वगैरह में एमएसक्यू पूछते नहीं है, बट ये आपका वैसा ही क्वेश्चन। तो देखिए कौन से आ रहे हैं, ट्राई कीजिए भाई। चलिए सेशन को शेयर कीजिए प्लीज, लाइक भी कीजिए। आज काफी कम लोग जुड़े हैं, हर रोज तो नंबर बहुत बड़ा होता है। आ जाएंगे वैसे धीरे धीरे सारे लोग। ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट है? सर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आप जब चाहे तब आकर एडमिशन ले सकते हो। बिल्कुल चलिए क्या आ रहा है, एक एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है बिल्कुल ही आपका। बी एंड सी, ओके, समृद्धि सिंह बी सी डी। चलिए होता क्या है देखिए, देखिए सोडियम है, अगर मैं इसको लेता हूं लिक्विड अमोनिया में, तो यहां से क्या मिलता है, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, यस और नो? अब इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है, तो अब ये क्या बना है, ये आपका पैरामैग्नेटिक बनेगा। अब ये आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो चुका है, तो इसका ऑप्शन ये तो आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है तो ये क्या करेगा, किसी ना किसी को जाकर रिड्यूस करेगा, मतलब कोई ना कोई इसको एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब इसका नेचर कैसे हो गया, रिड्यूसिंग नेचर हो गया ना, बात समझ में आ रही है? तो ये आपका रिड्यूसिंग इन नेचर हो गया, रिड्यूसिंग इन नेचर, तो ये भी आपका सही है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन, इसको कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या करता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो इसलिए आपका यहां पर ऑप्शन नंबर डी भी सही है, डायमैग्नेटिक तो होगा नहीं, तो इसलिए आपका बी सी एंड डी ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर है? आपको पता है जो Na है सोडियम, हमेशा प्लस वन स्टेट में रहने की कोशिश करेगा, यस और नो? तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका होगा एक रिड्यूसिंग नेचर का, और वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसलिए बी सी एंड डी इज योर राइट आंसर। क्लियर है क्वेश्चन? किसी को डाउट होगा तो बिल्कुल आप पूछिए चैट में, नहीं तो मूव ऑन करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्लियर? ओके, चलिए मंजू जी कह रही है क्लियर। वैसे स्मार्ट बोर्ड पे ज्यादा मजा आता है पोडियम से लेने को लेक्चर, लेकिन आज स्मार्ट बोर्ड था नहीं अवेलेबल,
चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखिए काफी ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं आपके सेट एग्जाम में भी, बहुत लंबे तो नहीं होंगे क्योंकि आपको पता है 100 मार्क्स होते हैं पार्ट आपके पार्ट बी में, जो आपका बी होता है पेपर 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स का होता है, ईच क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क और आपको दिए जाते हैं सिर्फ 120 मिनट्स, दो ही घंटे होते हैं ना, तो 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट्स, अगर ऊपर के 10-15 मिनट आप ऐसे ही निकाल दो क्योंकि वो एक तो होता है OMR शीट पे पेपर, तो वो सारी चीजें कलर वगैरह करने के तो 10-12 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं, तो ऑन एन एवरेज आपको एक क्वेश्चन के लिए आप मान के चलो 1-1.5 मिनट ही मिलता है, तो आप 1-1.5 मिनट में बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस तो वो डालते नहीं है सेट वगैरह में, तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके 1-1.5 मिनट में या ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में आपके सॉल्व हो जाए। गुड मॉर्निंग आदेश, गुड मॉर्निंग। चलिए क्या आएगा इसका आंसर, गुड मॉर्निंग मधुताई, गुड मॉर्निंग। चलिए आंसर दीजिए आदेश, क्या है आंसर? ब्रजराज, जीनत, मंजू, आरती, क्या आएगा भाई इसका आंसर? ब्रजराज इज सेइंग बी, जीनत खान इज सेइंग बी, ओके, आदेश इज ऑल्सो सेइंग बी, आरती इज सेइंग ए, ओके, मंजू इज सेइंग बी, काफी लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है चलिए देखते हैं। देखिए ये होती है आपकी टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग, करेक्ट, यहां पर होता है ई, यहां पर होता है आपका टी टू और इसको हम बोलते हैं डेल्टा टी, ये सर नो। अब एक बात मुझे बताइए, आपके जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? दे आर ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, वो क्या होते हैं? हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये सर नो। प्रियंका इज सेइंग ए एंड डी, नहीं भाई ऐसा तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। देखिए आपको पता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा हाई स्पिन होते हैं, हाई स्पिन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन आपका ई लेवल से टी टू लेवल में हमेशा जाता है। अब E टू T टू लेवल में कब जाएगा? जब उसकी जो स्प्लिटिंग है डेल्टा T है वो लेस हो जाएगी, वो लेस किससे होनी चाहिए? पेयरिंग एनर्जी से होनी चाहिए, बराबर कि नहीं? डेल्टा T शुड बी लेस देन योर पेयरिंग एनर्जी, तभी तो इलेक्ट्रॉन जा सकता है आपका नीचे की लेवल से ऊपर के लेवल में। तो ऑब्वियसली यहां पर आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगर डेल्टा T ये गैप अगर बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन E टू T टू लेवल में जंप ही नहीं कर सकता, अगर जंप नहीं कर सकता तो वो तो पेयरिंग दिखाएगा। बट आपको पता है जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कभी पेयरिंग दिखाते हैं क्या? कभी भी पेयरिंग नहीं दिखाते, वो हमेशा आपके हाई स्पिन में ही रहते हैं। तो इसलिए आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाकी के हो जाएंगे गलत। क्लियर? यस और नो? क्वेश्चन क्लियर है? आप कभी भी देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये कभी कॉम्प्लेक्स दिया है COCl4 2-, तो ये आपका CO2+ होता है, तो इसको भी आप 3D7 हमेशा इसको क्या करोगे? आप हाई स्पिन में ही दिखाओगे ना, तो 1, 2, 3 ये थर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा ऊपर ही जाएगा। तो अगर ऊपर जाने के लिए उसकी जो डेल्टा टी है स्प्लिटिंग वो कम होनी चाहिए पेयरिंग एनर्जी से, तो कम होगी तो इजिली ऊपर जाएगा, बस इतना ही है उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए हो जाए शुरू, इजी क्वेश्चन है ये भी।
चलिए बताइए भाई आंसर। काफी लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पर, अराउंड 30 लोग हैं कंटिन्यूस हमें देख रहे हैं। सबका आंसर आना चाहिए चैट में, मैं गारंटी देता हूँ। अगर ये क्वेश्चंस आप करोगे ना, और जो भी सेट की एग्जाम देने जा रहे हैं ना, उनको बहुत हेल्प होगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, बहुत हेल्प होगी। ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं एग्जैक्टली, और कई सारे क्वेश्चंस तो नेट गेट हायर लेवल के एग्जाम्स के हैं, तो सेट के लिए आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। अगर नेट गेट के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इजीली, तो ऑब्वियसली सेट में तो आप इजीली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ही पाओगे। चलिए कौन सा आएगा फिर इसमें? प्रियंका इज सेइंग ऑप्शन नंबर बी, 3D7 दिया है आपको। ओके क्या होता है आपका 3D7? कुछ ऐसा होगा। सो 1, 2, 3, 4 और 5 +2 +1 0 -1 -2 यस और नो? तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एग्जांपल को और आसान बना दिया है उन्होंने ऑप्शंस से। सो एस की वैल्यू तो वैसे निकालने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी निकाल ही लेते हैं। सो 1 + 1/2 = ये हो जाएगा 3/2। सो अगर मैं 2s + 1 की बात करूं तो ये तो आपका 4 आ जाएगा, राइट? एल भी निकालने की वैसी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि एल तो सब जगह एफ है, फिर भी निकाल लेते हैं। 2 × 2 + 1 × 2 - 1 - 2 तो ये क्या हो रहा है, ये गया ये गया, 3 आ जाएगा। इसका मतलब ग्राउंड सेट टर्म तो एफ आ गई, तो 4f। यहाँ तक तो हम पहुँच गए, बट ऑप्शन तो कोई एलिमिनेट हो नहीं सकता। अब सारा जो आपका खेल है किसके ऊपर बचा है? जे के ऊपर बचा है। अब आपको बताइए मोर देन हाफ फील्ड है, कैसा ये आपका मोर देन हाफ फील्ड? अगर मोर देन हाफ फील्ड होता है तो इसको हम कैसे कंसिडर करते हैं? एल प्लस एस देखते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए। अब एल प्लस एस क्या आ जाएगी फिर? एल है आपका 3, एस है आपका 3/2, तो यह आ जाएगी वैल्यू आपकी 9/2। सो देयरफॉर जो आपका ग्राउंड स्टेट है टर्म सिंबल 4f 9/2, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। ए तो नहीं आ सकता भाई, ए क्यों दे रहे कुछ लोग आंसर्स? अगर लेस देन हाफ फील्ड होगा तो हम कंसिडर करेंगे एल माइनस एस, अगर मोर देन हाफ फील्ड है तो हम कंसिडर करेंगे एल प्लस एस। यस और नो? बी ही आना चाहिए आंसर, 4f 9/2। क्लियर है क्वेश्चन या कुछ डाउट है इसमें? अब जो जो चीजें गलती आप कर रहे हो ना, उसको लिखो आपके नोट्स में, ठीक है? कहीं तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स या कुछ ऐसे कुछ कॉलम बनाओ, एक पेज बनाओ नया, उधर लिखो कि हाँ ये मैंने मैंने गलतियां की थी। तो जैसे कि यहाँ पर मुझे पता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर J = L - S लिया होगा, बट ये ठीक है आप भी गलती कर रहे हो, लेकिन एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। तो इसको लिखो आपके अलग से, जो आपका टॉपिक है उसके पीछे पेज छोड़ा करो हमेशा, वहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह ऐसा कुछ कॉलम करो और उसमें ये चीजें ऐड करो, ठीक है? एल माइनस एस कंसिडर कर लिया था सर, वही इसमें एल माइनस एस नहीं होगा ना, ये मोर देन हाफ फील्ड है। दो चीजें होती है, एक होता है आपका लेस देन हाफ फील्ड, दूसरा होता है मोर देन हाफ फील्ड। जब लेस देन हाफ फील्ड की बात आती है तो वहां पर हम एल माइनस एस देखते हैं, बट जब मोर देन हाफ फील्ड हम बात करते तो वहां पर हम एल प्लस एस लेते हैं, बराबर कि नहीं? तो वही है, अब भी आपने गलती की कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप क्लियर होगा, बाकी तो कुछ इजी क्वेश्चन था, कुछ डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए हो जाइए शुरू, ये भी इजी है बहुत। क्या आएगा?
बी बी बी, काफी लोग बी बोल रहे हैं। ओके वैसे बी आएगा यस। कुछ नहीं, सिर्फ हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है यहाँ पर, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट से ही काम है बराबर। अब ये जो आपका दिया है वो क्या है, एन ई टी, ई टी यहाँ पर भी ई टी है और यहाँ पर भी आपका ई टी है और इसके ऊपर आपका पॉजिटिव है ना, और ऐसे आपके दो है तो यहाँ पर टू प्लस हो जाएगा, तो एन आई सी एल फोर के ऊपर क्या आ जाएगा, टू माइनस। अब इसकी निकालो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू माइनस टू, सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू प्लस टू। अब प्लस टू है, एन आई सी एल फोर है, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो कीजिए फिर। ये आपका ई लेवल, ये आपका टी टू लेवल, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो एन इज इक्वल्स टू टू। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है भाई, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, बस यही था आपका क्वेश्चन, इजी था, सबका ये आंसर आना चाहिए। अब जी हाँ बिल्कुल, सबने बी दिया है, वेरी गुड। चलिए कुछ इशू नहीं होगा इस क्वेश्चन में, आगे बढ़े। टू पॉइंट एट थ्री से भी डायरेक्ट आ सकता था, जी हाँ बिल्कुल हाँ, वैसे भी आप बोल सकते थे 2.83, बट सेफर साइड निकालना है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन का भी केस वो कंसिडर करते हैं, तो निकालने के लिए ज्यादा टाइम तो लगेगा भी नहीं वैसे ऐसा, तो नहीं तो एग्जाम में क्या करेंगे, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन पकड़ के ज्यादा वैल्यू दे देंगे और आपको लगेगा कि इतने इतने इलेक्ट्रॉन है, तो वैसे नहीं करिए, सीधा ऐसे कीजिए, 100% आप श्योर हो जाएंगे। चलिए हो जाइए शुरू, ये भी काफी ईजी है, देखा होगा सबने क्वेश्चन ये। चलिए जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, अगर आपको लग रहा है ये कंटेंट अच्छा है, आपके काम का है, प्रैक्टिस हो रही है आपके क्वेश्चंस की, तो प्लीज डू लाइक दी सेशन, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए, मजा आएगा और काफी लोग होंगे तो, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है भाई और क्वेश्चंस लाने के लिए, ऐसे ही सेशंस लाने के लिए। यस और नो, चलिए आरती सिंह डी, प्रियंका इज ऑल्सो से, प्रियंका इज सेइंग बी, ओके बैक बॉन्डिंग यस, आदेश इज सेइंग बी, अक्षय इज ऑल्सो सेइंग बी, ठीक है भाई देखते हैं क्या क्या आते हैं और चीजें। चलिए बाकी आंसर दीजिए, मधुताई कौन कौन है, आकांक्षा आपका आंसर क्या है, ब्रजराज, सुमैया, क्या क्या आंसर आ रहे हैं आपके, देखिए क्या क्या दिया है उन्होंने, एक तो आपको ये दिया है SiH3, SiH3, ये सर नो, और किससे कंपेयर किया इसको, आपके NCH3 से। अब वैसे तो दोनों के ऊपर है आपकी लोन पेयर, दोनों नाइट्रोजन्स के ऊपर आपकी लोन पेयर है। अब जब भी सिलिकॉन का केस आता है ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि वहां पर कहीं ना कहीं मतलब वेकेंट ऑर्बिटल्स तो होते हैं, फिर बैक बॉन्डिंग का केस आ रहा होता है, हमेशा ध्यान रखना ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रॉन है आपको पता है बैक बॉन्डिंग करेंगे। अब जब भी बैक बॉन्डिंग होती है सेंट्रल मेटल एटम टू सराउंडिंग एटम, तब यहां पर हम क्या होती है बोलते हैं चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इज सीन, बराबर कि नहीं, चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये जो है आपका sp3 to sp2 कन्वर्ट हो जाएगा, अब sp2 होगा तो ये क्या है आपका प्लेनर है, तो ये तो प्लेनर आ गया, तो या तो प्लेनर और प्लेनर, तो ऑप्शन सी और ए तो गलत हो जाएंगे,
बराबर कि नहीं। अब बेसिसिटी के बारे में बोला है, अब बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इजीली डोनेट करेगा H प्लस पिक करने के लिए वो ज्यादा बेसिक होगा। अब यहां पर तो लोन पेयर आपकी बिजी है, इन्वॉल्व है किसमें, बैक बॉन्डिंग में, तो क्या इजीली जा सकता है ये प्रोटॉन पिकअप करने के लिए, नहीं जा सकता, तो ये क्या हुआ, लेस बेसिक हुआ ना। तो आपका जो एन एस आई थ्री थ्राइस है इट इज लेस बेसिक देन एन सी एच थ्री थ्राइस, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहां पर सही आंसर। ठीक है, काफी इजी था क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आजकल। क्या करते हैं जब भी हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री वगैरह में पूछते हैं ना, तब हमेशा बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आपको दिमाग में रखना ही है कि बैक बॉन्डिंग का केस आ सकता है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है और फंसाते हैं एग्जाम्स में, बैक बॉन्डिंग से क्वेश्चन फंसाते हैं और स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हम होते हैं पैनिक मोड में, फास्ट फास्ट करने के चक्कर में दिमाग से अगर निकल जाता है बैक बॉन्डिंग तो हम 100% इसको SP3 ही लिख के आएंगे और मार्क्स जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए, तो ऑप्शन तो इसका बी ही आएगा। ऑल क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है भाई, बढ़ते हैं फिर आगे। चलिए हो जाइए शुरू। आपके स्पेक्ट्रा के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है। क्या आ रहा है, वैसे इजी है, सबका आना चाहिए आंसर। फोर लाइंस बी 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 बी, मिथाइल रेडिकल बोला है उन्होंने, बराबर कि नहीं। अब हाइपरफाइन स्प्लिटिंग लाइंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2Ni+1, और आई की जो होती है आपकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। अब कितने हाइड्रोजन से, 3 हाइड्रोजन से, 2×3×½+1, तो ये कितनी वैल्यू आ रही है, 4 लाइंस, बराबर कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका आंसर। चलिए, काफी इजी क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही मिलते हैं आपके स्पेक्ट्रा से। चलिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, आई एम प्रीटी श्योर। चलिए हो जाइए शुरू।
कौन सा आएगा? ब्रजराज जी सिंह बी, प्रियंका जासू सिंह बी बी बी, काफी लोग बी दे रहे हैं आंसर। जी हाँ बिल्कुल बी ही होगा। क्या है क्वेश्चन में? देखिए यहां पर आर आर आर, यहां पर भी आपका है जी ई आर आर और आर। अब उन्होंने बोला है फोटोलिसिस हुआ है, एच न्यू कंडीशन हम देख सकते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा जी ई, यहाँ पर आर आर और आर, और यहाँ पर आया रेडिकल। अब जी ई की वैल्यू भी उन्होंने दी है, ये सर नो, आर तो ये नहीं होगा, एक्टिव नहीं है, एक मिथाइल ग्रुप या कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो उसको उन्होंने कंसिडर नहीं किया है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है वापस से 2Ni+1, तो कौन सा न्यूक्लियस कंसिडर करना है आपका? जी वाला एक ही, सो 2 × 1 × 9/2+1 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल होंगे, तो कितने आ जाएंगे फिर? 10 lines, ये सर नो। तो कौन सा होगा ऑप्शन आपका? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सबका ही आना चाहिए। रिद्धि सिंह ऑप्शन नंबर 3, 3 नहीं आएगा भाई, 2 lines नहीं आएंगे, 10 lines आएंगे ना। आई को आपको हाफ नहीं कंसिडर करना है, उन्होंने वैल्यू क्लियरली दी है यहाँ पर 9/2, अगर जो वैल्यू दी है उसको ही आपको लेना है, अपने मन से कोई और वैल्यू है वहां पर पुट नहीं करनी है। चलिए हो जाए शुरू। क्या आ रहा है? आरती सिंह सी, समृद्धि सिंह डी, ओके। डी डी ओके, मंजू सिंह 3, चलिए। और एक जन तो सही आंसर दो, सारे लोग गलत आंसर क्यों दे रहे हैं? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। Yes. क्या हुआ? अब लोगों ने आंसर अपने चेंज कर दिए हैं जब मैं बोलने के बाद।
चलिए, तो पहली गलतियां क्यों हो रही है? यस, पहले अटेम्प्ट में जब आप पहले मुझे आंसर दे रहे हो उस वक्त गलतियां क्यों हो रही है भाई? आदेश समृद्धि बताइए मुझे थोड़ा। अब एग्जाम में तो मैं होऊंगा नहीं आपको बताने के लिए कि अरे आदेश ये देखो एक बार सोचो वापस से, या आरती आप एक बार सोचो, या समृद्धि क्वेश्चन में कुछ आप गड़बड़ की है, मैं होऊंगा क्या वहां पर? चलिए, दिया क्या है? सी पैरेलल इज ग्रेटर देन सी परपेंडिकुलर, और जब ये होता है ना तब आपका ये जेड आउट का केस होता है, यानी कि टेट्रागोनल इलोंगेशन। बस इतना ही था आपका याद रखने वाला, बाकी तो आप सब कुछ कर लोगे। अब सी यू टू प्लस है 480 3D9, अब इसकी आपको स्प्लिटिंग पता होनी चाहिए, यस और नो? पता नहीं लोग मुझे डी आंसर क्यों दे रहे हैं भाई, फोर्थ वाला। ये टेट्रागोनल इलोंगेशन है तो इसका स्प्लिटिंग कैसे होती है? डी एक्स जेड डी वाई जेड, यहां पर आता है आपका डी एक्स वाई डी जेड स्क्वेयर, और यहां पर आएगा डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कीजिए, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब उन्होंने क्या बोला है? द ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका कहां पर है? डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में है, तो कौन सा आएगा ऑप्शन आपका? टेट्रागोनली इलोंगेटेड एंड डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, यस और नो? तो जिनको ये पता नहीं है, जी पैरेलल जब ग्रेटर देन जी परपेंडिकुलर होता है ना तब उसको हम जेड आउट इलोंगेशन बोलते हैं, और अगर हमारा जी पैरेलल लेस देन जी परपेंडिकुलर होगा तो वो आपका जेड इन हो जाएगा, यानी कि टेट्रागोनल कंप्रेशन। तो ध्यान रखना है क्या पूछा है, क्लियर? तो अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ है तो आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिली होगी इस क्वेश्चन से, जी पैरेलल जी परपेंडिकुलर, तो इसको लिखिए आपके नोट्स के पीछे, और एक बार जब आप एग्जाम को जाओगे ना इसको पढ़ना है। आप ये सारी पीयर स्पेक्ट्रा तो पढ़ा होगा आपने, इसमें ये सारी चीजें आती है, लैंडलेस फैक्टर, जी पैरेलल, जी की वैल्यूज क्या क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 वगैरह देखने को मिलती है, तो ये तो इन डिटेल हम ESR स्पेक्ट्रा में पढ़ते हैं, बट ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन के साथ मिक्स बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए, आई होप क्वेश्चन तो क्लियर होगा, बढ़ते हैं आगे। चलिए, और इजी क्वेश्चन है ये, बताइए। थोड़ी सी स्पेक्ट्रा के क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं, सर कॉम्प्रेशन में भी डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में जाएगा क्या? नहीं, अब कॉम्प्रेशन में क्या होगा, ये आपकी उल्टी होगी ना, अब डी जेड स्क्वेयर ऊपर चला आएगा, डी एक्स स्क्वेयर नीचे, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर लो एनर्जी में आ जाएगा, तो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वेयर में होगा फिर, अगर मैं कॉम्प्रेशन की बात करता हूं तो, ये सर नो? तो उसकी जो स्प्लिटिंग है वो तो चेंज हो जाती है ना, चलिए क्या आएगा भाई इसका? Li2 6th इलेक्ट्रॉन स्पीशीज डायमैग्नेटिक होती है, ये सर नो? B2 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैसा होता है ये आपका? तो ये आपकी पैरामैग्नेटिक होती है,
तो आपका यही होगा ना ईपीआर एक्टिव। हमें कंडीशन क्या होती है, आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑप्शन तो आपका बी ही आ जाएगा वैसे भी, बाकी के भी चाहे तो आप निकाल लो। ये आपके 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है और ये आपकी 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो सब में आपको बाकी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंडीशन क्या होती है, वी मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, है कि नहीं। सो देयरफॉर ये क्या हो जाता है आपका ईपीआर एक्टिव होगा। क्लियर, कुछ डाउट है भाई क्वेश्चन में? चलिए हो जाए, इजी क्वेश्चन है ये। ये तो सबका आना चाहिए आंसर। Pr2O72 माइनस दिया है, चाहे तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। 2x माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 2, सो 2x इज इक्वल टू प्लस 14, सॉरी प्लस 12, तो x के ऊपर आ जाएगा प्लस 6, करेक्ट है। अब इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आपके मेटल के ऊपर, क्रोमियम के ऊपर प्लस 6, ऑक्सीजन भी है यहां पर, इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये देगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए इजी क्वेश्चन था वैसे, ज्यादा कुछ इसमें सोचने वाला था ही नहीं। चलिए देखिए, ये भी इजी है। क्या आ रहा है सर, सबके आंसर बी ही क्यों आ रहे हैं? अच्छा ऐसा है क्या, पता नहीं भाई, कोइंसिडेंटली हुआ होगा। अच्छा इसका बी था, इसका ए था, लास्ट के दो भी बी थे, हो सकता है भाई। चलो अच्छा ऑब्जर्वेशन है, बट ऐसा मत सोचना कि अगला क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे बी बता दो, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए इसका क्या है, कार्बोनिक अनहाइड्राइज दिया है, क्या होता है ये आपका, एक मेटलो एंजाइम है, मेटलो एंजाइम है, यस और नो?
इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ZN2 प्लस OH2, हिस्टिडीन हिस्टिडीन और हिस्टिडीन, ये होता है आपका इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, जब हम बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका आपका ये स्ट्रक्चर होता है, तो ऑब्वियसली ZN ही आ जाएगा, करेक्ट। और अगर मैं कार्बोनिक कार्बोक्सी पेप्टिडेज की अगर बात करता, तो ये भी कई बार पूछते हैं एग्जाम में, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी आपका ZN2+ ही होता है, ZN2+ OH2, हिस्टिडीन हिस्टिडीन, और यहाँ पर लग जाता है फिर आपका ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ध्यान रखना है। दोनों स्ट्रक्चर में आपका ZN ही मेटल होता है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड है और यहाँ पर आपका हिस्टिडीन है। और एक चीज पूछी जाती है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका होता है 4 और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना वो आपका 5 होता है। अब आप पूछोगे सर 5 क्यों, क्योंकि ये जो आपका ग्लूटामिक एसिड है ना वो आपका कुछ ऐसे होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये ऐसे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी वजह से 5 देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका ग्लूटामिक एसिड होता है। तो घुमा फिरा कर पूछते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, पूछते हैं एग्जाम में कार्बोनिक नाइट्रेट कार्बोक्सी कार्बोनिक नाइट्रेट कार्बोक्सी पेप्टिडेज एलएडीएच मेटल एंजाइम्स के ऊपर बार बार चीजें पूछी गई है, एसओडी वगैरह। मैं कल के सेशन में सोच रहा हूँ बायोइनऑर्गेनिक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस लाओ, तो देखेंगे उसमें भी, ठीक है। चलिए, आई होप क्लियर होंगी चीजें, और तो कुछ डाउट नहीं हो सकता। चलिए हो जाइए शुरू। ये देखो मंजू, आपने बोला एफ ब्लॉक के भी, और आपके लिए एफ ब्लॉक का क्वेश्चन आ गया सामने। क्या आएगा इसका आंसर? यस, वैसे तो इसका आंसर पता ही होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए है, बट रीजन मैं आपको बता देता हूं। आपको जो यूरेनियम होता है ना, ध्यान रखना, जिन्होंने भी गलत आंसर्स दिए ना, ध्यान रखना, यूरेनियम जो होता है ना आपका प्लस फोर और प्लस सिक्स में मोस्ट स्टेबल होता है, और ये जो बाकी के है ना अमेरिकियम सीएम जो भी इनके नाम है, कैलिफोर्नियम वगैरह कुछ तो वियर्ड नाम है इनके, हमें नाम से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ आपको सिंबल से मतलब है, ठीक है। ये सारे आपके स्टेबल होते हैं, स्टेबल इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये तो सारे प्लस थ्री में स्टेबल है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं। अब यूरेनियम इन प्लस थ्री है, तो वो चाहता है कि मैं प्लस फोर में कन्वर्ट करूं, प्लस फोर या प्लस सिक्स। तो अब अगर उसको ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करनी है, तो उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना। अगर देना पड़ेगा तो वो कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा ना, वो किसी को इलेक्ट्रॉन देकर उसका उसका रिडक्शन कर रहा है और खुद का वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। इसलिए आपका जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्योंकि वो प्लस फोर और प्लस सिक्स में कन्वर्ट होना चाहता है इलेक्ट्रॉन देकर। तो ये ध्यान रखना, यूरेनियम जो है आपका प्लस फोर एंड प्लस सिक्स में ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, अगर ये जिनको पता नहीं था इसको लिखिए, क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपके एफ ब्लॉक के एक्टिनाइट्स वाले पार्ट से अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ना, तो मैक्सिमम टाइम आपको यूरेनियम के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बाकी तो इतना कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और यूरेनियम के ऊपर काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो जाइए शुरू। अच्छा ये तो पॉइंट ग्रुप का क्वेश्चन आ गया। चलिए राजीव सर का एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, बता दीजिए आंसर। आ गया अब भाई क्वेश्चन। चलिए ये तो बहुत इजी है। आज वैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत हमने की थी कोऑर्डिनेशन से, फिर कुछ कुछ बीच में आ गए स्पेक्ट्रा के क्वेश्चंस, फिर आपका बायो इनऑर्गेनिक भी देखा, एफ ब्लॉक भी देखा, अभी तो डायरेक्टली पॉइंट ग्रुप ही आ गया। चलिए कोई बात नहीं, ये तो आना चाहिए। ये होता है आपका BF3 बराबर कि नहीं? तो इसमें क्या होते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स आपके, एक तो C3 है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, फिर आपकी C2 भी है, और फिर आपका सिग्मा V है और सिग्मा H है। तो इनको मिलाकर, और आपका आइडेंटिटी तो होता ही होता है, तो इनको मिलाकर आपका जो पॉइंट ग्रुप आपको देखने को मिलेगा D3H होगा ना। आपको पता है जब प्रिंसिपल एक्सिस और सब्सिडियरी एक्सिस जब आते हैं तब तो वहां पर आपका पॉइंट ग्रुप D से स्टार्ट होता है, बराबर कि नहीं? तो इसलिए ये D3 है, इनको मिलाकर ही आपके डी में कन्वर्ट हो जाता है D3। और D3B तो कभी नहीं होता, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन तो D3H होगा। तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। चलो अच्छा ये तो पहले जैसा ही क्वेश्चन हो गया क्या? ऐसा ही क्वेश्चन हमने देखा था। चलिए फिर भी बता दीजिए आंसर। सबके निकालिए एक बार, सबके एमओटीज निकालिए प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन वैसे ही थोड़ा सा रिपीट हुआ है पहले जैसा ही, इसका तो आना ही चाहिए। ये कितनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है आपकी? 6 + 8 = 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अगर मैं इसकी बात करूं 16 + 2 = 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। यह है आपकी 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये सर वो, और यह है आपकी 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो आपको बाकी के इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे नहीं, आपके ए में ही होंगे। तो वापस से एक मुल्लू सा क्वेश्चन था। चलिए तो यही था क्या ही इसमें देखे, और चलिए हो जाए शुरू। ये बताइए
खोकर तू सुनता चलिए क्या आएगा आंसर? ब्रजराजी सिंह सी, आरती सिंह बी, मधुताई सिंह सी, प्रियंका सिंह डी, अक्षय दलसो सिंह डी। ओके, सबसे पहले क्या काम करोगे भाई इसमें? सबसे पहले सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद एक थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, एक दो ऑप्शन तो कट हो जाएंगे, तो फिर बाकी इसमें देखेंगे फिर। यस, क्या रहे आंसर्स? आदेश, कहाँ गए आपका आंसर? मौसमी आंसर बताइए। चलिए, समृद्धि। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाली होगी सबने। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? x माइनस 8 इजिकल्स टू माइनस 2, x इजिकल्स टू प्लस 6। इसकी क्या आएगी? x माइनस 8 इजिकल्स टू माइनस 3, x इजिकल्स टू प्लस 5। इसकी आ जाएगी x माइनस 8 इजिकल्स टू माइनस 2, x इजिकल्स टू प्लस 6, और x माइनस 8 इजिकल्स टू माइनस 2, x इजिकल्स टू प्लस 6। अब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला है, अब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, और लेगा तो दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, और खुद का करेगा वो रिडक्शन। यस और नो? तो इसी को तो हम बोलते हैं ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये तो सबसे पहले कटेगा क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो इन सबसे कम है ना, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स लेगा नहीं, कंपैरेटिवली लेगा बट कंपैरेटिवली नहीं लेगा, प्लस सिक्स वाले ज्यादा अच्छे से लेंगे। अब इन तीनों में कैसे निकाले फिर? अब कौन अच्छे से लेगा? तो अब किस कौन सा फैक्टर देखना पड़ेगा? अब ऑक्सीडेशन स्टेट से तो आंसर नहीं आ रहा है, तो इसके बाद आपको कौन सा फैक्टर देखना पड़ता है? तो वो होता है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर में कैसा होगा आपको पता है? यहां पर होता है आपका क्रोमियम, यहां पर होता है आपका मैंगनीज, यहां पर होता है आपका आयन। लेफ्ट टू राइट क्या होती है आपकी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करती है। यस और नो? ड्यू टू जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये चीजें आपने बेसिक पढ़ी होगी। जब जेड इफेक्टिव चार्ज इंक्रीज होता है लेफ्ट राइट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को पुल करने की पावर किसकी ज्यादा है आपके? एफी की ज्यादा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, बाकी के हो जाएंगे गलत। क्वेश्चन क्लियर है? जब भी ऐसे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहला काम करना है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। बट वहां से थोड़े से एक या दो ऑप्शन तो 100% कट हो जाएंगे, जैसे यहां पर एक हुआ था। और फिर उसके बाद आपको देखना है किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। तो यहां पर आपको पता है एफी की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो आपको ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अभी थोड़ी देर में सुरेश सर आएंगे, वो भी सेशन लेंगे, तो जाना नहीं है कहीं पर, कंटिन्यूस सेशन हमारे चलते ही रहने वाले हैं। ठीक है, थीके? बहुत प्रैक्टिस हो रही है आपके क्वेश्चन की, और मैं गारंटी देता हूं 100% ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। और बाद में कभी अगर आपको लगे तो आप वापस इन सेशन को आकर देख सकते हो। चलिए, ये जो टेस्ट सीरीज है वो है चालू हमारी, ऑब्वियसली सेट वाले स्टूडेंट्स के लिए। बहुत कम प्राइस में हमने रखी है, तब जाइए वेबसाइट के ऊपर, 1 रुपी, ये क्या ही होता है 1 रुपी, ये सर हो तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तब जाकर एक बार कर सकते हो। चलिए, हो जाइए शुरू। आज भी 3 बजे तक है, 3 बजे तक, 12, 1:30 बजे तक तो होगा ही होगा। अब लास्ट सेशन देखना पड़ेगा कौन ले रहा है, बट हाँ इसके बाद तो सेशन आपका होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है।
चलिए काफी एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब इजी क्वेश्चन है, सबका आना चाहिए आंसर। फिजिकल होगा तो लास्ट सेशन हो सकता है। चलिए क्या आ रहा है आंसर, ए आ रहा है क्या, दिखते हैं। चलिए काफी लोग ए बोल रहे हैं, एल्यूमिनियम दिया है। नियॉन 3s2 3p1, ओके। यहां पर होता है +1 0 -1, एस की वैल्यू है आपके पास हाफ। अगर मैं 2s+1 करूं तो ये हो जाएगा 2 × ½+1, तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 2। यहां तक तो चीजें क्लियर है, तो 2 आया तो ये तो गया, ये भी गया। एल की वैल्यू 1 × 1, तो ये पी, तो 2p तो आ रहा है। अब क्या करोगे, एल माइनस एस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने क्या कहा था, लेस देन हाफ फील्ड है ये, बराबर कि नहीं। अगर लेस देन हाफ फील्ड है तो एल तो हमारे पास 1 आया था माइनस हाफ, तो ये कितना होगा 1/2, सो देयरफॉर 2p 1/2 आपका आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो इजी था क्वेश्चन, ये सबका ही आना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस तो आपको छोड़ने ही नहीं है भाई एग्जाम में। ठीक है चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप क्लियर होगा, इसमें तो कुछ डाउट्स नहीं है। चलिए अब जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है भाई, प्लीज डू लाइक दिस सेशन। हो जाइए शुरू, ये भी इजी क्वेश्चन है, आना ही चाहिए सबका। मैंने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं लाए हैं, काफी एवरेज क्वेश्चन है ये सारे, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको संडे को देखने को मिलेंगे आपके सेट के एग्जाम में, मैं इसकी गारंटी देता हूं। कम ले आओ। आरती जी ने भी यहाँ पर डी ही कहा था, बट उन्होंने डिलीट कर दिया मैसेज, उनको कुछ और लग रहा है आंसर। ओके चलिए देखते हैं, क्या आएगा, डी आएगा मेरे हिसाब से, आना ही चाहिए। ये क्या है आपका, एफ ई 3+ हो रहा है, बराबर कि नहीं, 4s0 3d5। आपको पता है एक आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये है आपका T2g लेवल, ये है आपका EG लेवल, सो 1 2 3 4 और 5। अब वैसे तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.9 बोर मैग्नेटॉन आनी चाहिए थी, बट आ कितनी रही है, इंक्रीज हो रही है,
अब आपको पता है जब ये इंक्रीज करती है तो इसका रीजन क्या होता है, आपका स्पिन ऑर्बिट कपलिंग यानी कि ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं ना हम, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, यस और नो? तो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी ही आएगा आपका सही आंसर, बाकी के तो हो जाएंगे गलत। T2g लेवल जब आपका असिमेट्रिकली फील्ड होता है तब उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन या स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। क्लियर है? सबने ही डी दिया था वैसे। वैष्णवी यानी सी क्यू कहा आपने भाई, फेरोमैग्नेटिक कपलिंग से वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, फेरोमैग्नेटिक उल्टा वैल्यू को डिक्रीज करता है, ध्यान रखना ठीक है। फेरोमैग्नेटिक कपलिंग अगर होती है ना तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज नहीं करेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हो जाइए शुरू। फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, अरे वो थोड़ी नेबरिंग एटम्स के साथ इंटरेक्शन वगैरह वो सारी चीजें होती है, वो तो हम किसी दिन विस्तार से बात करेंगे उसके ऊपर, उसकी चिंता मत कीजिए। फेरोमैग्नेटिक के ऊपर वैसे भी ज्यादा कुछ क्वेश्चन तो पूछते नहीं है वो। चलिए इसका क्या आ रहा है आंसर, थोड़ा सा लेंदी होगा शायद से ये क्वेश्चन, वासुई सिंह डी। एक बात आप देख सकते हो, अगर मुझे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 5 चाहिए, अगर मुझे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 5 चाहिए तो मुझे एस की वैल्यू 2 आनी चाहिए, यस और नो? 2, यस बराबर, एस की वैल्यू मेरे पास 2 आनी चाहिए। और एस की वैल्यू 2 कब आती है भाई, जब आपकी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मुझे 4 चाहिए। अब देखिए अब चीजें और ज्यादा इजी हो जाएगी, यस अब आ जाएगा आंसर। वैसे तो ऑप्शन इसका बी आएगा, काफी लोग बी बोल रहे हैं, किसी का ए भी आया है, ए तो शायद से नहीं आएगा, बी ही आना चाहिए, देखते हैं। सी आर टू प्लस है आपके पास, 4S0 3D4, करेक्ट? तो यहां पर है आपका T2G लेवल, यहां पर है आपका EG लेवल। अब D4 है 1, 2, 3, 4, अब यहां पर N क्या है आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 है, तो S आ जाएगा आपका 2, सो 2S प्लस 1 हो जाएगा आपका 5। अब L की वैल्यू देखिए, +2 +1 0 -1 -2, L की वैल्यू भी चेक करेंगे, 2 × 1 + 1 × 1 - 1, तो ये होगी, ये कट हो गया, 2i मतलब d, तो आ गया ना 5d। आ रहा है सबका? 4 एम्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसकी बात करें हम तो ये हो रहा है आपका Mn+3, तो ये हो जाएगा 3d4, लो स्पिन में नहीं होगा, n = 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 नहीं आएंगे, तो ये यहीं से कट हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं Fe2+3d6, n = 0 आ जाएंगे, यहां पर भी नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूं 3d, अच्छा हाँ ये 3d7 है ना, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो यहाँ पर तो आपके n = 3 आ रहे, तो ऑब्वियसली डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए आपका सही आंसर। आ रहा है? क्लियर है? तो ऐसे इसको अप्रोच करना था बस। चलिए बताइए,
ये भी इजी क्वेश्चन है, वैसे आना चाहिए सबका आंसर। चलिए लास्ट के दो तीन क्वेश्चन से फिर सुरेश सर आएंगे, सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो कहीं पर आपको जाना नहीं है, आपके लिए ये सेशंस है। तो अगर आपको अच्छे लग रहे सेशन, आपको लग रहा है ये यूजफुल है, तो प्लीज डू लाइक दिस सेशन, शेयर भी कीजिए जरूर। काफी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, ऑलमोस्ट 55 to 60 लोग हमें देख रहे हैं, तो काफी अच्छा नंबर है भाई। कल आप मुझे बताइए कि मैं कौन सा टॉपिक लेकर आऊँ। मैं सोच रहा हूँ ओएमसी, और थोड़े से आप कुछ लोग बोल रहे थे एफ ब्लॉक वगैरह भी सर लेकर आओ, तो ओएमसी एफ ब्लॉक में सोचता हूँ लेकर आओ, क्योंकि आपके एग्जाम में है ना, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपका एफ ब्लॉक भी ओएमसी तो होता ही होता है। अब कोऑर्डिनेशन तो काफी कर लिया है हमने, क्या आएगा फिर इसका आंसर? इजी है, सबका आंसर आना ही चाहिए इसका। यहां से ही काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। 6.06 है, तो इसको n इज इक्वल्स टू 5 चाहिए होगा अराउंड। तो कैसे होगा, यहां पर आपको चाहिए Mn2 प्लस, अगर Mn2 प्लस है तो 4H0 3D5 हो जाएगा ये, तो कीजिए ना फिर आ जाएगा आपका। सो 1 2 3 4 5, तो T2G और EG, तो T2G3 हो जाएगा और EG2 हो जाएगा आपका आंसर। तो कौन सा ये, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ बिल्कुल, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा भी लीजिए सर। जी हाँ ओके मंजू जी, और कौन कौन बायो इनऑर्गेनिक के लाओगे? ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक के लाता हूँ बिल्कुल। आप में आपकी मैं सुनूंगा, तो आप भी मेरी एक चीज सुनिए कि आप थोड़ा सा रिवाइज करके आइए, तो फिर और मजा आएगा। ठीक है, चलिए इसका तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, इजी था क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं इसमें। चलिए हो जाइए शुरू। दो नैनों के पेचीना सुन लिया रे, नैनों का तो सुनता है कहाँ, मेरे ज्यादा प्यार तू है कहाँ, जी बल्ला कौन सा आएगा? इजी है अभी क्वेश्चन आपका जी टर्म्स के लिए। ये आने वाला है क्लियरली, यस और नो? अब क्या, अगर मैं जी टर्म की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं A1G प्लस EG प्लस T1G प्लस T2G। अगर मैं यहाँ पर S टर्म की बात करता हूँ, तो S टर्म में आपको देखने को मिलते हैं A1G। अगर मैं D टर्म की बात करूँ, तो D टर्म में आपको देखने को मिलते हैं T2G प्लस EG, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पर 1 आता है ये, यहाँ पर आएगा T2G plus EG is equals to 5। अगर मैं इसकी बात करूँ 3, 6, 7, 8, 9, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। P, अगर P term के बारे में पूछा है, तो वहाँ पर 3 आएगा EG plus A1G, ऐसा, yes or no? Yes। चलिए काफी इजी क्वेश्चन था।
चलिए देखते हैं आप अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अच्छा नहीं, यही है, यही था आपका, ठीक है। चलिए तो स्टॉप करते हैं सेशन को, मतलब स्टॉप मैं करूंगा, आपको तो जुड़े ही रहना है यहाँ पर, सुरेश सर आएंगे, आप कंटिन्यू करेंगे सेशन को, तो कहीं जाना नहीं है, ठीक है। और कल जैसे आपने कहा है वैसे मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जरूर, तो आपको भी तैयारी के साथ आना है, तब मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। चलिए थैंक यू सो मच, अगर कुछ डाउट हो तो आप जरूर पूछिए कमेंट्स में, चैट में आप बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो कहोगे वो हम करेंगे। चलिए आपको सिर्फ एक काम करना है भाई, लाइक करो सेशन को, तो और दोस्तों को बोलो कि ये सेशन चालू है, अवधूत सर सेशन लेते हैं, सुरेश सर लेते हैं, सारे फैकल्टीज ले रहे हैं, तो उनको भी शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं विदा लेता हूं आपसे, सुरेश सर जुड़ेंगे 5 मिनट में, आप चाहे तो 2 या 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। हेलो, हेलो गाइस, वेलकम टू एफएस। तो चलिए गाइस फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए गाइस हमारे साथ फटाफट जुड़ जाइए और हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज के डेट में बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं। चलिए गाइस फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ, और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस सेशन में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग लगभग सारे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। चलिए जुड़ जाइए फटाफट। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गाइज। चलिए गाइज रेडी हो जाइए और इस सेशन में हम बात करेंगे क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस आपके सामने है डिस्प्ले पे और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चंस को देखिए और बताइए क्या होगा।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या अभी आप लोगों के पास साउंड क्लियर जा रहा है? गुड आफ्टरनून आरती जी, गुड आफ्टरनून। चलिए क्या अभी वॉइस क्लियर है आप लोगों के पास? वॉइस क्लियर जा रही है? चलिए तो फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। गुड आफ्टरनून मंजू जी, चलिए गुड आफ्टरनून एवरीवन, बहुत सही। चलिए इन फाइन आदेश जी, चलिए आप लोग क्वेश्चंस को देखिए और बताइए क्या होगा। देन फाइन, बहुत अच्छी बात है। चलिए फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए तो आंसर्स आने शुरू हैं, तो सभी के आंसर्स आने चाहिए। चलिए सभी लोग आंसर बताइए क्या होगा इसमें। लेविस एसिड, यहां पे ऑप्शंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, यहां पे बी हो गया, यहां पे ए हो गया है, तो सभी लोग बी बता रहे हैं, मतलब लेविस एसिड्स को बता रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, सभी लोग बता रहे हैं लेविस एसिड्स, जो कि ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, तो ऑप्शन के बिहाफ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये हमारा पी सी एल फाइव है और इस पर रिएक्शन करा रहे हैं सी एल माइनस से, तो सी एल माइनस ऑलरेडी बता रहा है कि हमारा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये हमारा एज ए बेस बिहेव कर रहा है। और इसमें पूछ क्या रहा है पी एस एल पी सी एल फाइव किसकी तरह बिहेव करेगा, तो पी सी एल फाइव जो है हमारा पी सी एल फाइव, तो इसके पास वैकेंट डी आर्बिटल होंगे और उसमें अपना ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा उसके वैकेंट डी आर्बिटल में, और इसलिए हमारा ये जो होगा किसकी तरह बिहेव करेगा, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा वैकेंट डी आर्बिटल। और जैसा कि आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है तो इस बिहाफ पे लेविस एसिड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए गाइस बहुत अच्छी बात है, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं और शानदार क्वेश्चंस और क्वेश्चंस को देखते हैं इस क्वेश्चंस को और बताइए क्या होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों ने जितने भी बच्चों ने आंसर्स दिए हैं सभी लोगों ने बहुत सही आंसर दिए हैं, तो चलिए इस क्वेश्चंस को देखिए और बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या होगा। आंसर दीजिए सभी लोग क्या होगा इसका आंसर। और सभी लोग आंसर दे रहे हैं सर, कोई बी ऑप्शन दे रहा है, कोई सी ऑप्शन दे रहा है, तो सभी के आंसर आने चाहिए इसमें। चलिए सभी के आंसर्स आ रहे हैं, किसी कुछ बच्चों ने कहा सी ऑप्शंस। चलिए सभी लोग बताइए क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करके तब बताइएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा फिर बताइएगा।
क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ 3D मेटल आयन यम हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.9 बोर मैग्नेटॉन। ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट दिया है, जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है 3D मेटल कोई है और ये मेटल हमारा यम हैज द मैग्नेटिक मोमेंट 2.9 बोर मैग्नेटॉन रखा है इन ऑक्टाहेड्रल एनवायरमेंट, और इस समय ये ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है, उस समय हमारा 2.9 बोर मैग्नेटॉन हमें देखने को मिला है एंड 4.1 बोर मैग्नेटॉन हमें कब देखने को मिल रहा है, ये हमें देखने को मिल रहा है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स में। तो दो मॉलिक्यूल है, एक हमारा ऑक्टाहेड्रल है, एक हमारा टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, और जो कि हमारा जो मेटल है वो 3D मेटल है। तो इसमें से मेटल आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के केस में हाई स्पिन हो और उसमें हमारा मैग्नेटिक मोमेंट कितना आना चाहिए, 2.9 आना चाहिए। कब आना चाहिए, जब ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल हो, और जब हमारा टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हो तो उस समय भी हमारा क्या आना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 4.1 आना चाहिए, और उस समय हमारा ये भी 3D मेटल ही है। तो आपको इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, कौन से ऑप्शन होंगे, तो कुछ बच्चों ने सी दिए हैं, कुछ बच्चों ने बी दिए हैं, क्या बाकी बच्चों ने आंसर्स नहीं दिए, सभी लोग आंसर्स दे, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं कि इन्होंने सही बताया है। यहाँ पे जिन बच्चों ने आंसर दिए हैं बी और जिन बच्चों ने सी दिए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमको लग रहा है आप लोग कंफ्यूज हैं, तो चलिए यहाँ पे 3D9 है, तो यहाँ पे कॉपर 2+ में है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, कॉपर आयरन निकिल कॉपर, ओके। तो यहाँ पे निकिल कॉपर जिंक, इट मीन्स हमारा जो होता है कॉपर का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं तो 3D9 3D10 4S1 होता है, बट यहाँ पे हमारा कॉपर 2+ में है, तो कॉपर 2+ में है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 3D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन हमारा लॉस हो गया तो 3D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। दूसरा क्या है, कोबाल्ट है, आयरन कोबाल्ट, ये हमारा होता है आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, और ये 3D7 4S2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जनरली हमारा कोबाल्ट का है, बट इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 3D6 हो जाएगा, और इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा हमारा, ये कोबाल्ट 2+ में है, इसका मतलब ये हमारा 3D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, और निकिल 2+ है, तो निकिल 2+ है तो हमारा 3D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। तो इस तरीके से हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखने को मिलेगा। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में कह रहा है मेटल जो है हमारा 3D सीरीज का है, तो सारे के सारे हमारे मेटल जो है 3D सीरीज के हैं। अब इसमें ये कह रहा है 2.9 बोर मैग्नेटॉन दे रहा है, तो सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि ऐसा मेटल देखिए, और बोल रहा हाई स्पिन में, हाई स्पिन होगा तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट 2.9, इसका मतलब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तब मैग्नेटिक मोमेंट हमें 2.9 देखने को मिलेगा। हमेशा जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसमें केवल एक की वैल्यू थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, अप्रॉक्सिमेट वैल्यू, उसके आसपास उसकी मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिलता है, जैसा कि आपको पता भी है, तो अंडर रूट 2 कर दीजिए तो आपको देखने को भी मिल जाएगा, क्योंकि हमें जो फार्मूला भी पता है अंडर रूट n n+2, तो ये हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं। इस फार्मूले पर अगर आप ये वैल्यू रख देंगे तो 2 की वैल्यू, तो आपको यहाँ पे 8 मिलेगा और ये हमारा 2.9 के आसपास वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उस केस में। तो इस केस में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लीजिए, 3D9 के केस में आपको क्या पता है, 3D9 है, तो इसका मतलब अगर स्प्लिटिंग करेंगे तो यहाँ पे हमें ये पता है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, चाहे लो स्पिन हो 3D9 के केस में हमारा जो एक ही ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसमें खाली होगा, तो इसका मतलब कॉपर 2+ तो नहीं होगा। तब 3D6 में बात करें, 3D6 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाए, तो 3D6 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अगर बनाए तो हमारा ये इस तरीके से स्प्लिटिंग होगा, और यहाँ पे ये हमारा फिलिंग हो गया, और यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये तो सर बी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि सर इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिला, क्या देखने को मिला, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिला जो कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहा है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, पहले ही बताया है ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में हमारा ये नहीं बनाएगा। अब देखते हैं हम CO2+ के केस में, अब CO2+ के केस में हमारा कोबाल्ट 3D7 में है, और 3D7 में है तो इसका भी हम देख लेते हैं, तो अगर इसकी स्प्लिटिंग करें तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग E2G और EG में ब्रेक होता है, जो कि आपको पता है E2G और EG में ही है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
इसमें भी 3 इनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये भी सर हाई स्पिन के केस में 2.9 मैग्नेटिक मोमेंट इसमें भी नहीं आएगा, 2.9 मैग्नेटिक मोमेंट इसमें भी नहीं आएगा। अब बचा सर निकल D8 के केस में, 3D8, और इसकी स्प्लिटिंग देखें तो यहाँ पे सर हमें क्या देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे दो ऑर्बिटल, तो 3D8 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो सर यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब सर इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.9 आ जाएगा सर, 2.9 आ जाएगा। तो मतलब निकिल में हमारा ये मेटल फॉलो कर रहा है। उसके बाद 4.1 टेट्राहेड्रल के केस में, अगर 3D8 ही हो और 3D8 का टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कराते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा नीचे जो आता है TEG आता है और स्प्लिटिंग में, और ऊपर हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा E होता है, ये हमारा T2 होता है, स्प्लिटिंग हमारा इस तरीके से हो जाता है। सॉरी आई थिंक आप लोगों को दिख नहीं रहा है, तो चलिए हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे बना लेते हैं ताकि आप लोगों को दिख जाए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जस्ट वेट, चलिए हम इसी स्लाइड पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा 3D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 3D8 में अब हम बात कर रहे थे, चलिए हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 3D8 है, और E और T2 जो में हम ब्रेक कर रहे हैं, E है, और E में हमारे पास कितने ऑर्बिटल होंगे, दो ऑर्बिटल, और T2 में हमारे पास 3 ऑर्बिटल, तो हमने ये फिलिंग कर दिया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 और 8। तो इस केस में भी देखने को क्या मिला, 3D8, और यहाँ पे हमने फिलिंग किया 3D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो इस केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे 4.1 बोर मैग्नेट्रॉन दिखना चाहिए, इन 4.1 बोर मैग्नेट्रॉन दिखना चाहिए जो कि हमारा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा उस केस में देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा octahedral environment and 4.1 bohr magneton in tetrahedral environment। तो यहाँ पे 3D7 के केस में हमारे पास 3D7 ऑप्शन तो होना चाहिए, बट यहाँ पे हमारा 4.1 bohr magneton आना चाहिए उस मेटल में। 4.1 bohr magneton कब आएगा, जब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तब तो आएंगे। तो 3D8 निकिल 3D8 में है, ये 7 में है, और ये हमारा 3D6 में है। तो 3D6 में, और अगर आप देखें इस जगह पे, तब बना लिया नहीं आया, मिस्टेक्स है सर जी कुछ क्वेश्चंस में, मुझे भी ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है जिसकी वजह से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा है। जरूर इस क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे भी। और यहाँ पे 2.9 के केस में, 2.9 तो हमारा निकिल D8 का तो आ रहा है, इस केस में तो आ रहा है, और बट हम टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग करेंगे तो T2 E और T2 में स्प्लिटिंग हुआ, और T2 में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इट मीन्स यहाँ पे कुछ मिस्टेक है जो कि
एक्चुअल वैल्यूज नहीं आ रहे हैं, तो चलिए हम उस बिहाफ पे यहाँ पे इसको मान लेते हैं 2.9 ही और इसको क्वेश्चन को करेक्ट कर लेते हैं। 2.9 अगर आएगा तो दोनों केस में हमारा सेम होगा, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा उस बिहाफ पे, निकिल 2 प्लस को मान लेते हैं। क्वेश्चन के बिहाफ पे हम यहाँ पे 2.9 बोर मैग्नेट मान लेते हैं और इस क्वेश्चन को आंसर मान लेते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा जो होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, निकिल 2 प्लस। यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है और 2.9 सेम वैल्यू हमारा आ रहा ऑक्टाहेड्रल में भी और टेट्राहेड्रल में भी। इस क्वेश्चन को इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको करेक्ट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा। बिल्कुल आदेश जी, आपने सही बताया कि इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स है, बिल्कुल मिस्टेक है, जिसकी वजह से इसका करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। अरे वाह, आंसर तो आने शुरू हो गए। थोड़ा सोच समझ के क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब सर हमारा क्या होता है पीक फील्ड लिगेंड होता है तब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो सोच समझ के आंसर दीजिएगा, मैंने आपको आइडियाज भी दे दिए हैं क्या, कि जब वीक फील्ड लिगेंड होता है तो सर उस समय हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, और जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो उस समय स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगता है। चलिए तो उसके बिहाफ पे आंसर दीजिए कि क्या होगा उस समय आंसर हमारा। वीक फील्ड लिगेंड फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, वीक फील्ड लिगेंड फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। कुछ बच्चों ने इसमें डी भी बताया था, मैक्सिमम बच्चों ने डिलीट कर दिया। अभी कोई एक बच्चा है जिन्होंने कहा डी ऑप्शन है, तो और रीना जी भी करके हैं, उन्होंने भी बताया कि सर डी ऑप्शन होगा। तो जैसे कि आपको पता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पता होगा, और ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से टॉपिक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको हमेशा याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कुछ आए ना आए एग्जाम में, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपके महाराष्ट्र सेट में एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है, हमेशा देखने को मिला है। ऐसा कभी नहीं हुआ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन ना आए, तो क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इसलिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको हमेशा याद होना चाहिए क्या ऑर्डर, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ये हमारा ऑर्डर चलता है। तो यहाँ पे ये हमारा वीक फील्ड ऑर्डर है, ये हमारा जो जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ जा रहा है, और जो हमारा इस साइड में है आई बर्बादी सनी क्लास से फरार वो कार्बोक्सिलेट, हमारा यहाँ पे कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलेट पानी। फिर यहाँ पे आता है हमारा अमोनिया, और इसके बाद हमारे आते हैं पिरिडीन, और इस तरीके से हमारा इधर साइड में जाने पे CO, NO और NC आते हैं हमारे पास Cl। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं, ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो ये सब जो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो क्या मैंने बताया आई बर्बादी सनी क्लास से फरार ओ कार्बोक्सिलेट पानी, और इस तरीके से NO, CO, CN जो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये सब जितने हमारे वाटर के बाद जितने भी आते हैं, वाटर के बाद जितने भी आते हैं वो सब हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं, ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं।
ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं। वाटर के बाद जितने भी मॉलिक्यूल देखेंगे वो हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो उस समय क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की टेंडेंसी होती है क्या बनाने की, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने की। और क्वेश्चन में पूछा है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, और इस बिहाफ पे CNOX, बिल्कुल CNOX। तो जनरली हम ये देखते हैं जब जहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखे तो समझ जाइएगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि साइनाइड में आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, CO में डबल बॉन्ड, NO में डबल बॉन्ड। तो ये सारे आपको पता है कि जितने भी डबल बॉन्डेड कैरेक्टर होंगे वो हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे और हमेशा क्या बनाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और जो जिनके पास एक निगेटिव चार्ज दिखेगा ये समझ जाइएगा कि ये सारे के सारे हमारे वीक फील्ड लिगेंड है। एक निगेटिव चार्ज दिखा तो इसका मतलब वो वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड हमेशा क्या बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। और मॉडरेट लिगेंड का जो टेंडेंसी होती है थोड़े बहुत एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, तो वो चीजें आपके आपने कितना प्रैक्टिस किया है उसके ऊपर आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इस बिहाफ पे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे वीक फील्ड लिगेंड कौन सा है इसमें, आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर HCN- फिर क्लोरीन माइनस। तो यहाँ पे क्लोरीन माइनस है आफ्टर दिन OH- यहाँ पे है, तो OH- इन कंपेयर टू क्लोरीन स्ट्रॉन्ग है, इन कंपेयर टू क्लोरीन OH हमारा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे आपका C2O4 ये हमारा ऑक्जलेट है, C2O4 हमारा ऑक्जलेट यहाँ पे है, और इसी को मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा था C2O4। देख सकते हैं 4 ऑक्सीजन है, 2 कार्बन है, और यहाँ पे C2O4 2- होना चाहिए था, तो यहाँ पे 2- होगा। तो इस तरीके से ये हमारा देखने को मिलता है ऑक्जलेट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो जितने बच्चों ने ए ऑप्शन कहा है उन्होंने सही कहा है, चलिए बहुत शानदार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या होगा आंसर। एग्जाम एकदम करीब में है, जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, और क्वेश्चन बहुत आसान है ये सब क्वेश्चन। महाराष्ट्र सेट का एग्जाम तो बहुत आसान होता है, आप लोग आसानी से चाहेंगे तो किसी बार करेक्ट करके निकल जाएंगे। चलिए आंसर्स आने शुरू हैं, तो सभी लोग आंसर्स दें क्या होगा इसमें, चलिए आंसर बताइए क्या होगा सभी लोग। तो आंसर्स आ रहे हैं इसमें डी ऑप्शंस। कुछ बच्चों ने डी कहा है, कुछ बच्चों ने ए कहा है, अभी सभी लोग आंसर्स दें क्या होगा, बना करके स्ट्रक्चर देख करके तब बताइए क्या होगा स्ट्रक्चर। सभी लोग बना करके देख करके बताइए क्या होगा स्ट्रक्चर। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आ गए हैं, तो सभी लोग आंसर दे चैटिंग बॉक्स में क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, मोटी से ये क्वेश्चन है हमारा, ये मोटी डायग्राम बनाइए और देख लीजिए सर हमारा ल्यूमो पूछा गया, ना कि होमो, ल्यूमो पूछा गया है। ल्यूमो मतलब क्या, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट, जस्ट होमो के बाद जो आएगा वही हमारा ल्यूमो होगा। और भारती जी बता रहे हैं सर सी ऑप्शन, और यहाँ पे थवन जी बता रहे हैं सर बी ऑप्शन। तो आप लोग ये मोटी डायग्राम बनाइए और फिर देखिए सर हमारा क्या होगा आंसर। हमारा पहला है पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा है सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तीसरा है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड फोर्थ है
सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर आर्मेट। बहुत सही, कुछ बच्चे अभी तक सही आंसर भी दे रहे हैं, कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं और मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि आप लोग ये मोटी डायग्राम बना करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। बिना बनाए अगर आप बताएंगे तो डेफिनेटली गलत बताएंगे। कोशिश करिए ये मोटी डायग्राम बनाइए और फिर आंसर बताइए। नाइट्रोजन का ये मोटी डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का ये मोटी डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें देखा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो वाला तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस बार क्वेश्चन घुमा दिया है। पहले होमो पूछते थे, इस बार मैंने ल्यूमो पूछा है आपसे, ल्यूमो के किस्म। चलिए रीना जी कह रहे हैं सर ए ऑप्शन, मंजू जी कह रहे हैं सर सी ऑप्शन। चलिए जैसे ये मोटी डायग्राम हम बात ही कर लेते हैं, ये मोटी डायग्राम बनता कैसे है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में आपको बताना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको पता है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2 एंड 2p3 है। तो अगर हम ये मोटी डायग्राम बनाते हैं तो एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हम इधर रखते हैं, दूसरा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को इधर रखते हैं, और इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं ये मोटी डायग्राम में। 1s2 से कोई मतलब नहीं है, हमने दो दो इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया इस तरीके से यहाँ से, ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो गए क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर में हमारे ये पार्टिसिपेट नहीं होंगे। पाई एंटी बॉन्डिंग बिल्कुल, और इसी तरीके से आदेश जी ने भी कहा सर सी ऑप्शन, तो सही बात है कि सर हमारा जो होगा ये सी ऑप्शन ही होगा। तो ये हमारा इस तरीके से फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की मोटी डायग्राम में, और हमारे पास अब 1s2 फिलिंग कर दिया गया है, 1s2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दिए हैं हम। अब यहाँ पे 2s2 है और यहाँ पे 2s2 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हमने इस तरीके से फिल कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन इसमें और दो इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें भी, इस तरीके से हमने यहाँ पे भी फिलिंग कर दिया। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब हमारा 2s2 का कहानी खत्म हो गया, 2s2 तक की कहानी खत्म हो गई, क्योंकि हमारा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इक्वल हमारे 4-4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4-4 इलेक्ट्रॉन दो हमारे बॉन्डिंग में, दो एंटी बॉन्डिंग में, सब कैंसल आउट हो गया। अब बचा क्या, हमारा बचा पी ऑर्बिटल। अब पी में हम बनाते हैं 2p3 है, 2p3 है, तो 2p3, तो ये हम मोटी डायग्राम बना रहे हैं इसमें। ये भी हमारा 2p3 है क्योंकि नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर हमने देखा है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी देखा। तो यहाँ पे p में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और तीन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब इसमें अगर फिलिंग करें तो हम फिलिंग कैसे करते हैं, हम यहाँ पे दो ऑर्बिटल होंगे और एक ऑर्बिटल यहाँ होगा, और इसको क्या बोलते हैं, पाई 2px, इसको बोलते हैं पाई 2py, पाई 2py, और इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा 2pz, ओके। और यहाँ पे हमारा इसी तरीके से बनेगा, और यहाँ पे चलिए यहाँ पे हमारा इसी तरीके से सेम बनेगा, और यहाँ पे हमारे पास दो ऑर्बिटल होंगे और यहाँ पे एक ऑर्बिटल, तो इसको बोलते हैं पाई स्टार 2px और इसको बोलते हैं पाई स्टार 2py, ओके इतना हो गया। और यहाँ पे इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर हम इसमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करें तो 6 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करेंगे और इक्वली एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और यहाँ पे पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर दो सेकेंड इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर उसके बाद पेयरिंग हो जाएगी, और फिर इसके बाद हायर एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन ये थे और 3 इलेक्ट्रॉन ये थे, दोनों कंबाइन होकर के 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, और इस तरीके से हमें देखने को मिला सिग्मा 2pz। तो ये सिग्मा 2pz जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं हाईएस्ट, ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी में है क्योंकि हमारा एनर्जी का ऑर्डर इस तरीके से बढ़ रहा है, तो ये हमारा हाईएस्ट एनर्जी में है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी पे जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं होमो, क्या बोलते हैं, होमो बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उसके बाद अब यहाँ पे जो उससे ऊपर है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हमारा सबसे पहला लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको बोलते हैं ल्यूमो, क्या बोलते हैं इसको, ल्यूमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल, और यही हमारा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग है। तो ये पाई स्टार ये हमारा बॉन्डिंग है सारे के सारे, ये हमारे सारे के सारे बॉन्डिंग है। जो नीचे होता है वो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जो नीचे होता है वो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। ये भी हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये भी हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और जो अपर साइड में होते हैं, जो हायर एनर्जी में होते हैं, वो हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। जैसे कि ये हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये भी हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये हमारा ऊपर के जितने भी हैं सब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस बिहाफ पे जो करेक्ट आंसर होगा ओके। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ल्यूमो में क्या है, हमारा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि करेक्ट ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? सौम्या जी, सौम्या जी ने तो सी बताया था, ओके क्या बात है। थवन जी आपको क्या समझ में आया ये चीज कि हमारा सी कैसे हुआ? आर यू अंडरस्टैंड थवन जी? चलिए चैटिंग बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को समझ में आया ये चीज। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। बिल्कुल वैष्णवी जी बहुत अच्छी बात है। चलिए विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप लोग इस कॉम्प्लेक्स को देख के बताइए किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेगा। थैंक यू सो मच वैष्णवी जी। ये आप लोगों का बड़प्पन है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन को देखिए और क्या होगा आंसर। इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं, ए भी आ रहा है डी भी आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। एक्सचेंज ऑफ आयंस। बिल्कुल गाइज, तो गाइज फटाफट सेशन को लाइक कर दें। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है वे बच्चे लाइक और शेयर कर दें ताकि आपके सारे दोस्त जुड़ सकें। चलिए अभी तक कुछ ही बच्चों ने आंसर्स दिया है तो सारे बच्चे आंसर्स दें क्या होगा। गुड आफ्टरनून प्रीति जी। चलिए तो सभी लोग आंसर्स दें क्या होगा। आंसर सारे बच्चों के आने चाहिए, आंसर सारे बच्चों के आने चाहिए। टाइम लीजिए बट आंसर्स दीजिए, क्योंकि अभी देंगे तब तो एग्जाम में अच्छा करेंगे, जब अभी नहीं देंगे तो अच्छा कैसे करेंगे। अभी दीजिए, गलत दीजिए, जो भी आए दीजिए अपना आंसर। चैटिंग बॉक्स में सभी लोग अपना अपना आंसर्स दें, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बनता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप गलती करिए तब सीखेंगे, जब गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहाँ से। पहले गलती करिए फिर सीखिए। आंसर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, शानदार, जबरदस्त।
दीपक जी भी कह रहे हैं सर ए ऑप्शन, सुप्रिया जी भी बोल रहे हैं सर ए ऑप्शन, केमिस्ट्री जी भी बोल रहे हैं सर ए ऑप्शन। प्रीति जी भी बोल रहे हैं ए ऑप्शन। तो चलिए गाइस सभी के आंसर्स मैं देखना चाहूंगा, अभी तक कुछ और बच्चों ने आंसर्स नहीं दिए हैं, उनके भी आंसर्स आ जाएं तब फिर मैं आगे बात करूं कि इसमें क्या होगा एक्चुअल में। और अभी तक जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है वे लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दें, और अगर उनको सेशन अच्छा लग रहा है तो कोई प्रेशर नहीं है, अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दें। चलिए बताइए क्या होगा इसमें आंसर। तो आंसर्स जो बच्चों ने दिए हैं, कुछ बच्चे डी भी दिए हैं, आरती जी कह रहे हैं सर डी ऑप्शंस, और मंजू जी बता रहे हैं सर एक बार कोऑर्डिनेशन में लिगेंड एक्सचेंज होते हैं एंड आयनाइजेशन में आयंस रहते हैं, सर इस क्वेश्चन में थोड़ा क्लियर कीजिए। बिल्कुल, हम यहाँ पे दिया हुआ है विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज सोच बाय द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है। आयनाइजेशन में हमेशा क्या होता है आयनाइजेशन, और आपने क्या पूछा है आयनाइजेशन में लिगेंड एक्सचेंज होते हैं। बिल्कुल, आयनाइजेशन में हमारे लिगेंड एक्सचेंज होते हैं। आयनाइजेशन में हमारे लिगेंड एक्सचेंज होते हैं, और यहां पे हमारा ये कॉम्प्लेक्स दिया है CO NH3 5 एंड Br, और ये हमारा SO4 दिया है, SO4 दिया है, इसका मतलब ब्रोमीन हमारा माइनस में है और SO4 भी डबल माइनस में है, तो ये हमारा इंटर एक्सचेंज होते हैं, यानी लिगेंड का इंटर एक्सचेंज होना, तो ये हमारा जो कहलाता है ये हमारा CO NH3 होल 5 और यहाँ पे SO4 बन जाएगा, और ये हमारा Br बाहर साइड में हो जाएगा, जो कि हमारा ये आयनाइजेशन कहलाता है, क्योंकि आयंस का इसमें एक्सचेंज हो रहा, आयन का एक्सचेंज हो रहा है। और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में जब बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन में हम स्फीयर के अंदर एक हमारा एक कॉम्प्लेक्स ये होता है मेटल के साथ, और ये हमारा सपोज कर ले रहे हैं CO6 है, और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है MCO, और यहाँ पे कुछ डिफरेंट लिगेंड ले लेते हैं और इसमें एक्सचेंज कराते हैं, और इसके बीच में जब इंटर एक्सचेंजिंग होता है तो उसमें हमारा कोऑर्डिनेशन एक्सचेंज कराता है। जैसा कि यहाँ पे हमारा पूछा क्या है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, उसमें दो ब्रैकेट होते हैं, एक हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है जिसमें दो ब्रैकेट होते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे आयनाइजेशन है, आयनाइजेशन में हमेशा आयंस का एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या ये बात समझ में आया, जब हमारा दो टाइप के कॉम्प्लेक्स दिए हो, दो टाइप के मेटल हो यहाँ पे, उसके बीच में एक्सचेंजिंग हो, तो उस समय कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, बट यहाँ पे हमारा आयनाइजेशन है क्योंकि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, ब्रोमीन भी हमारा आयन है, SO4 भी हमारा आयन है, तो आयन के एक्सचेंजेस के होने की वजह से हम इसको बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या ये बात समझ में आ गया सबको, क्या ये बात सबको समझ में आ गया। पोजीशन चेंज होते हैं कोऑर्डिनेशन में, बिल्कुल पोजीशन चेंज होते हैं कोऑर्डिनेशन में, मेटल सेम रहेगा, बस यहां से लिगेंड इस जगह से मूव करके दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में मूव कर जाता है, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में मूव कर जाता है। नहीं, सभी लिगेंड का नहीं, जो हमारा आयन आयन के फॉर्म में होता है, यहाँ पे अमोनिया जो है हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, जो आयन के फॉर्म में होगा उसी का एक्सचेंज होता है, उसी का एक्सचेंज होता है,
जैसे NH3 हमारा न्यूट्रल लिगेंड है तो ये तो नहीं होगा सर, वाटर भी हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, ये इनका एक्सचेंज नहीं होगा। जो हमारे न्यूट्रल लिगेंड होंगे उनका एक्सचेंज कभी नहीं होता, हमेशा उसी का होता है जो आयन के फॉर्म में रहते हैं, जैसे सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, और इसके साथ साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इन सब पे माइनस चार्ज होता है। जिस पे निगेटिव साइन होगा वही हमारे आयन्स के फॉर्म में होंगे और उन्हीं का एक्सचेंज होता है, उन्हीं का एक्सचेंज होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में जिस पे निगेटिव चार्ज है इसका मतलब वो आयन के फॉर्म में है, तभी तो इसको आयनाइजेशन बोला है, आयोनाइजेशन, क्योंकि आयन्स के फॉर्म में है इसलिए आयनाइजेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे आयन्स का एक्सचेंज हो रहा है इसलिए बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या ये बात समझ में आया? सभी लिगेंड का एक्सचेंज नहीं होता है, केवल न्यूट्रल लिगेंड का नहीं होगा, जब भी होगा आयन्स का एक्सचेंज होता है। क्या ये बात समझ में आ गया? तो इस बिहाफ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो होगा राइट ऑप्शन होगा, और जैसा कि मैक्सिमम बच्चों ने ए ऑप्शन कहा है तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलें फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है आपका आपके सामने, और अभी तक जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है वे बच्चे फटाफट सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या होगा। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग सॉल्व करिए और क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। प्रीति जी ने कहा सर सी ऑप्शन, आदेश जी कह रहे हैं ए ऑप्शन। आदेश जी आप कैसा ऐसे ऐसे कैसे आंसर कर रहे हैं आज के टाइम में आप? सबसे पहले तो आप लोग एक बात जानिए, हमेशा एक चीज पहचानना सीख जाइए लिगेंड को, लिगेंड हमारा वीक फील्ड है या स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। अगर ये पहचानना सीख गए तो आप हमेशा कॉम्प्लेक्स को बहुत आसानी से करेंगे। केवल दो ही चीज तो है पूरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बहुत केवल दो चीज है, दो चीजें आप समझ गए तो आपको पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, एकदम दिमाग में। क्या क्या? एक तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहचान जाइए कि इसमें ये लिगेंड हमारा वीक फील्ड लिगेंड है और कौन सा लिगेंड हमारा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, पहला चीज ये जान लीजिए। और दूसरा चीज ये जान लीजिए कि हमारा सर क्या कि 3D से 4D सीरीज, 4D से 5D सीरीज जाने में 4D सीरीज और 5D सीरीज की टेंडेंसी होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाने की, और हमेशा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। 4D सीरीज एलिमेंट और 5D सीरीज एलिमेंट हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और यहाँ पे लिगेंड को पहचानिए और आसानी से इस क्वेश्चन को कर लीजिए। चलिए बहुत सही, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, तो सभी के आंसर्स आने चाहिए, और जिन बच्चों ने अभी तक आंसर्स नहीं दिए हैं वे भी बच्चे अपने आंसर्स दे दें ताकि उनको भी पता चल जाए कि मैंने सही आंसर दिया था या मैंने थोड़ी गलती की थी। अपने आंसर सभी लोग दें। आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं, हमको लगता है कि आप लोगों को सेशन अच्छा नहीं लग रहा है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करिए, फटाफट सभी लोग सेशन को लाइक करिए और शेयर करिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करेंगे, बिल्कुल
तो इसमें कॉम्प्लेक्स दिया है Ba, इट मीन्स बेरियम कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल बिल्कुल केमिस्ट्री जी ने सही कहा कि सर इसमें हमारा जो है साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जैसा कि जस्ट अभी मैंने पहले बताया था, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसका काम ही है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना, और जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इसमें निकल जो है हमारा Ba टू प्लस में है, टू प्लस में है, तो निकल हमारा जो होगा CN4 और ये टू प्लस में हो जाएगा, टू प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया, क्योंकि निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकल जो है हमारा प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और निकल प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इस समय 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा, और 3d8 होगा तो इस समय साइनाइड लिगेंड लगा है। साइनाइड हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है हमारा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम है हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उस समय क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। और जनरली आपको देखने को क्या मिलेगा, हमारा इस तरीके से स्प्लिटिंग देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जनरली हमें इस तरीके से बनता, बट यहाँ पे हमारा जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 होना चाहिए, बट यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो जाता है, क्योंकि हमारा ये आपको दिख भी रहा है कि साइनाइड लगा है तो पेयरिंग कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बैक जा करके पेयरिंग कर लेता है, यहाँ से मूव होकर के उस वाले ऑर्बिटल में जम करके बैक इस जगह पे हो जाता है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पेयर्ड फॉर्म में हो जाएंगे। और इस तरीके से यहाँ पे अब हमारा जो है 3d8 था और 4s और 4p हो गए, तो यहाँ पे 3d8 में हमारे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये बचा हमारा यस, यहाँ पे 3d बचा एक ऑर्बिटल और एक हमारे पास यस का बचा, और यहाँ पे हमारे पेयर पी के ऑर्बिटल हैं, तो हमारे पास इस तरीके से डी के एक ऑर्बिटल यूज करेंगे, और यहाँ पे एक साइनाइड आएगा, दूसरा साइनाइड यहाँ पे, और यहाँ पे दो साइनाइड आएंगे, तो इस तरीके से हमारे ये साइनाइड लिंक अटैच हो गए, और ये हमारा क्या बना लिया, डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, और इसकी वजह से ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, इसकी वजह से ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। और इस तरीके से हमारा ये मॉलिक्यूल क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक होगा, ये हमारा डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक। तो कुछ नहीं करना है, जब भी आपके दिमाग में इतनी बात समझ में आ जाए क्या, कि जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हमेशा देखिएगा अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो इसका मतलब डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनना ही बनना है, कुछ नहीं सोचना है, उस पर आंख बंद करके बिना स्प्लिटिंग किए, बिना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किए डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं क्या, जब इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन है आपको दिख रहा है D8 है, और D8 मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा मतलब पेयरिंग हो जाएगी सारे इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत आसानी से सोच सकते हैं। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होना, यहाँ मतलब इवन नंबर है, ये हमारा 8 इवन नंबर है, यहाँ पे 7 होता, अगर उस समय भी अगर हमारा स्क्वायर प्लेनर जैसा कॉम्प्लेक्स बनाना बनता तो उस समय हम कहते हैं कि पैरामैग्नेटिक होगा, था डायरेक्ट देख करके कि हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमारा अनपेयर्ड फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पे सारे के सारे पेयर्ड फॉर्म में है, इसकी वजह से आसानी से इस क्वेश्चन का देख सकते हैं। और यहाँ पे फ्लोरीन जो है हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसका मतलब हमारा निकिल यहाँ पे भी 2 प्लस में है, और ये भी 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, तो इसका मतलब अब हमारा इस केस में जब बनेगा ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इस समय sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इस समय आपको देखने को भी मिलेगा अगर आप स्प्लिटिंग करेंगे 3d8 का, तो इस केस में हमारा इस तरीके से आएगा, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक, ये हमारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक हुआ। इस तरीके से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, फर्स्ट इज डायमैग्नेटिक एंड सेकंड इज पैरामैग्नेटिक, तो हमारा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलिए बहुत शानदार, आप लोगों ने मैक्सिमम बच्चों ने सी कहा था, अमृता जी क्या आपको समझ में आया कि हमारा सी ऑप्शन होगा, अमृता जी ने कहा था सर बी ऑप्शन, रिस्क एडिटर जी भी आ गए हैं, फर्स्ट क्लास
रिस्क जी हम फर्स्ट क्लास चल रहे हैं और आपका रिस्क लेना अभी भी चल रहा है कि रिस्क अभी लेना छोड़ दिए हैं आप? चलिए रिस्क लेते रहिए और एग्जाम में बैठते रहिए और कभी न कभी मंजिल जरूर मिलेगी। चलिए तो आप लोगों के सामने है महाराष्ट्र सेट 2024 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मात्र ₹1 में विथ थंबनेल। ओके विथ थंबनेल, तो आप लोग बिल्कुल इस चीज को लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जानते हैं टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के क्या फायदे हैं? टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के ये फायदे हैं कि आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर देख लिए हैं और आपका एग्जाम कब है? नेक्स्ट वीक में है। और जैसे ही सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पते हैं, आपने बार बार देखा है, दो बार देख लिया, तो 100 क्वेश्चंस आपने अगर देख लिया तो 100 क्वेश्चंस में अगर आपके 10 क्वेश्चंस मिल गए एग्जाम में तो आपकी तो चांदी ही चांदी है। तो आपको क्या करना है, जाइए फटाफट हमारे IFS के साइट पे और ₹1 में मिल रहा है टेस्ट सीरीज उसको ले लीजिए। उसके बाद आराम से उस क्वेश्चंस को सारे देख लीजिए, उसका आंसर्स देख लीजिए और उससे बेनिफिट्स मिलेंगे आपके एग्जाम में। और अगर एग्जाम में वही क्वेश्चंस मिल गया तो आपकी चांदी चांदी है। तो बिल्कुल इस चीज को मिस मत करिए। तो फटाफट जाइए हमारे IFS.com पे IFS के साइट पे और वहां से ये ले सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है, इस क्वेश्चंस को देखिए और बताइए क्या होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक्स नहीं किए हैं उन बच्चों से मेरा कहना है फटाफट सभी लोग लाइक्स कर दें सेशन को। चलिए क्या बात है, केमिस्ट्री जी कह रहे हैं सर रिस्क है तो रिस्क है, रिस्क है तो फिर क्या है, चलिए टेंशन भी तो है। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और आंसर बताइए क्या होगा। चलिए आंसर्स बताइए, आप लोग मस्ती मत करिए, करंट टाइम में आंसर्स बताइए। बिल्कुल सोना है। सोना कहेंगे तो कोई जादू टोना भी समझ लेगा उस चीज को। चलिए आंसर्स बताइए क्या होंगे इसके आंसर। तो अभी तक 4 ही 5 बच्चों के आंसर्स आए हैं, बाकी बच्चे अभी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। इसमें पूछ क्या रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। ये सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड दिए गए हैं और आपको बताना है इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बिहाफ पे आपको स्ट्रेंथ बताना है किसकी, किसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसका ज्यादा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा वो है, मतलब कि स्प्लिटिंग किसकी ज्यादा होगी। तो इसमें हमें ऑर्डर बताना है कि और स्ट्रेंथ पूछा है किसका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये ऑर्डर बताना है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, हरीश जी मजे लेने शुरू कर दिए हैं, तो आप लोग आंसर्स बताइए इसमें क्या होगा। तो ए ऑप्शंस कुछ बच्चे बोल रहे हैं इसमें। तो
इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया, क्या बताया था कि हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर बताया था, कैसे आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ओ कार्बोक्सिलेट पानी, ओ कार्बोक्सिलेट पानी, अमोनिया, इथाइलिन डायमीन एंड फर्दर पिरिडीन, और हम डायरेक्टली यहाँ पे लेते हैं CO, CN, CO, NO एंड CN। तो ये सारे के सारे हमारे स्टर्नफेल्ड एंड में जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारा CN होता, या तो CO होता या तो NO होता, उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद हमारा EN का होगा, फिर उसके बाद NH3 का होगा, फिर उसके बाद H2O का होगा, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप लोग ईमानदारी से सच्ची बता रहे हैं, आप लोग एग्जाम में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करके जाइए, मेरी गारंटी है उसके बिहाफ पे आपके कम से कम नहीं तो 4 मार्क के क्वेश्चंस तो आसानी से हो जाएंगे। कुछ नहीं करना होगा, केवल लिगेंड को देख करके आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी पता चल जाएगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सीख जाएंगे तुरंत, जैसे ही पेयरिंग दिख गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गया, तो उस क्वेश्चन को भी डिफाइन कर लेंगे। उसके साथ साथ आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा वो भी बता पाएंगे, और इसके साथ साथ आप जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ सर इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा, तो बहुत आसानी से करेंगे। बस आपको पता होना चाहिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की ये जान कहलाती है, ये जान है केमिस्ट्री की, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। चलिए बहुत सही शानदार, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, और ये क्वेश्चंस बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है, और देखते हैं इस क्वेश्चंस का आंसर किन बच्चों को आता है। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। चलिए सभी लोग लाइक फूंक दो यार, अब क्या, अब तो रिस्क जी भी कह रहे हैं सर हम रिस्क के साथ रिस्क भी ले रहे हैं, और सभी बच्चों से कह रहे हैं कि सभी लोग ठोको अब लाइक्स, तो लाइक ठोक दो अब क्या कहना है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए सभी लोगों के आंसर आने चाहिए इस क्वेश्चन के, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं देखने में बहुत हल्का क्वेश्चन है, देखने में बहुत हल्का क्वेश्चन है, तो देखते हैं कौन आंसर सही कर पाता है, देखते हैं कौन आंसर सही कर पाता है। देखने में बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत लाइट क्वेश्चन है, बट है मजेदार, बट है मजेदार। चलिए देखते हैं कौन सही सोच पाता है इसके बारे में। वैष्णवी जी कह रहे हैं सर ए ऑप्शन, और आदेश जी कह रहे हैं सर सी ऑप्शन, साक्षी जी कह रहे हैं सर डी ऑप्शन, ए सी डी, तीन ऑप्शन आ गए हैं, बी बचे हैं। सोचने पे मजबूर कर दिया ना, छोटा सा क्वेश्चन है एकदम, हाइड्रोजन हीलियम केवल पीरियड टेबल का पहले दो एलिमेंट उठा करके क्वेश्चन को बना दिया, उस क्वेश्चन में भी डाउट्स हो रहे हैं, सोच सकते हैं क्या लेवल है इस क्वेश्चन का, शानदार क्वेश्चन है, देखने में आसान है बट है मजेदार क्वेश्चन। तो सभी लोग बताइए वाकई में होगा क्या। तो मैक्सिमम बच्चे सी कह रहे हैं, और साक्षी जी कह रहे हैं सर डी ऑप्शन, वैष्णवी जी कह रहे हैं सर ए ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन सोचिए एकदम लाइट क्वेश्चन, हमने पीआई टेबल के दो एलिमेंट उठाए और उस पर क्वेश्चन बनाए, शानदार क्वेश्चन बना है। चलिए क्या बात है, संध्या जी कह रहे हैं सर सी ऑप्शन, तो देखते हैं क्या होता है, क्या बात है। रिस जी भी बता रहे हैं सर सी ऑप्शन, चलिए भारती जी भी बता रहे हैं सर सी ऑप्शन, तो हम मान लेते हैं मैक्सिमम बच्चे जो कह रहे हैं सर सी ऑप्शन, तो हम सी ऑप्शन पे लॉक कर देते हैं, सी ऑप्शन पे लॉक कर देते हैं, और इस बिहाफ पे बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज डायमैग्नेटिक स्पीसीज। तो डायमैग्नेटिक स्पीसीज हमेशा वे इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं जिसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, बट उसमें भी दो डिफरेंट है, एक 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, याद रखिएगा 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम,
और दूसरा है हमारे पास सिस्टीन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये दोनों हमारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो या 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, जैसे कि 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कौन से मॉलिक्यूल आते हैं, हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आता है, और ऑक्सीजन हमारा कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ये बात आपको पता होगा। बट निकालने से पहले अच्छा है कि आप इस चीज को याद रखिए, डायरेक्ट आंसर करके आइए एग्जाम में, डायरेक्ट आंसर करिए। और हमारा बोरान मॉलिक्यूल भी हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो कि इवन नंबर स्पीसीज है, इवन मतलब इवन, ठीक है, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये भी इवन नंबर है, ऑड स्पीसीज। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्लस एक निगेटिव चार्ज है तो 2+1, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया, मतलब ये ऑड स्पीसीज है। और जब भी ऑड स्पीसीज है, जब ऑड है तो बेचारा एक की तो बेचारे की पेयरिंग हुई होगी, बट दूसरा बेचारा अभी सिंगल ही है, दूसरा अभी तक सिंगल है तो उसकी पेयरिंग तो नहीं ही हुआ होगा। तो अगर यहाँ पे इसका पेयरिंग नहीं हो तो यानी ये इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है। और हम यहाँ पे पेयरिंग करने निकले हैं तो H2+ के केस में अगर आप बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और दो हाइड्रोजन का मतलब दो हाइड्रोजन हो गए, दो एटॉमिक नंबर, दो तो एक हाइड्रोजन एटम का एक एटॉमिक नंबर और दो हाइड्रोजन के दो, और एक प्लस चार्ज है तो इसका मतलब एक इसमें से हम इसमें से कम कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये भी ऑड स्पीसीज है, ऑड है तो पेयरिंग नहीं होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो ए और बी तो समझ में आ गया सर। अब सी में बात करें तो हाइड्रोजन का क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है और दो हाइड्रोजन है तो एक और एक हमारे क्या हो गए, एक ये मेल है दूसरा ये फीमेल है, और मिल करके ये दो बना करके पेयरिंग हो गए, और पेयरिंग करते ही ये क्या हो गए, हमारे डायमैग्नेटिक हो गए, ये हमारे डायमैग्नेटिक हो गए, ये हमारे डायमैग्नेटिक हो गए। और इसी तरीके से Hc2 है, Hc2 में हीलियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है क्या होता है, इसका 2 होता है, 2+2, ये हमारा बनाया 4। बट एक्चुअल में हीलियम मॉलिक्यूल जो होता है बनता ही नहीं है नेचर में, हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर, हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर, क्योंकि हीलियम के केस में अगर ये मोटी डायग्राम बना के देखेंगे तो यहाँ पे हम बना देते हैं, चलिए हम यहाँ पे बना देते हैं ये मोटी डायग्राम इसका, थोड़ा सा आप देख लीजिए इस चीज को, चलिए हम यहाँ पे बना दे रहे हैं ये मोटी डायग्राम में 1s2 एंड 1s2। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1s2 एक हीलियम का दो इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया, और एक दूसरे हीलियम एटम का यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, और यहाँ पे इस तरीके से दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए। और अब फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालेंगे तो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाई 2। तो हम इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे 2-2/2, तो यह है हमारा 0। तो ये मॉलिक्यूल हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता तो डायमैग्नेटिक कहाँ से होगा, तो ये मॉलिक्यूल हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता तो डायमैग्नेटिक नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा जो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, तो जितने बच्चों ने कहा था सी ऑप्शन उन्होंने सही जवाब दिए हैं। क्या दीपक जी आपको ये बात समझ में आया, दीपक जी क्या ये बात आपको समझ में आया, ई तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बिल्कुल। मंजू जी क्या आपको ये चीज समझ में आया, दीपक जी मंजू जी आप लोग क्या समझ में आया, योगेश जी फटाफट चैटिंग बॉक्स में बताइए क्या आप लोगों को समझ में आ गया, दीपक जी चलिए, योगेश जी आपको भी समझ में आया, चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और फटाफट चैटिंग बॉक्स में बताइए क्या आप लोगों को समझ में आया। चलिए फिर हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके सर बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एज ए लिगेंड ब्रोमीन एक्ट एज ए, ब्रोमीन किसकी तरह बिहेव करता है, ब्रोमीन माइनस जो है किसकी तरह बिहेव करता है, ये हमारा सिग्मा डोनर होता है या पाई डोनर होता है या ये बोथ टाइप का नेचर शो करता है, सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर, या फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है ये सिग्मा डोनर एंड एज ए सिग्मा एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। चलिए
थैंक यू सो मच सृष्टि जी, चलिए ये आप लोगों का बड़प्पन है इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या बात है, शानदार आंसर्स आने शुरू हैं। केमिस्ट्री जी बता रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होते हैं। चलिए सभी बच्चों ने कहा कि सर ये सी ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग एक बात को हमेशा याद रखिएगा, क्या बहुत आसान सी बात बता रहे हैं, जब किसी भी इस स्पीसीज के ऊपर निगेटिव चार्ज दिख जाए, ठीक है, जब किसी भी इस स्पीसीज के ऊपर निगेटिव चार्ज दिख जाए तो समझ जाइएगा वो सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर की तरह बिहेव करेगा। याद करने की जरूरत नहीं, बस केवल इस लाइन को याद रखिएगा, जब किसी भी स्पीसीज के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज दिख जाए इसका मतलब वो सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर की तरह बिहेव करेगा। बात समझ गए, सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर की तरह बिहेव करेगा। थैंक यू सो मच ऋषि जी। तो यहाँ पे ब्रोमीन माइनस है, ब्रोमीन माइनस है इसका मतलब इस स्पीसीज के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, और जब भी किसी भी स्पीसीज के ऊपर अगर एक निगेटिव चार्ज आ गया तो इसका मतलब मैंने बताया क्या कि वो सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर की तरफ बिहेव करेगा। हमेशा याद रखिएगा, इस लाइन को अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, और जैसे ही क्वेश्चन दिखे निगेटिव चार्ज लगा हुआ तो समझ जाइएगा इस सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर की तरफ बिहेव करेगा। कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस एकदम आसानी से सॉल्व होते हैं बिल्कुल। चलिए तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर होगा, तो बी ऑप्शन कविता जी नहीं होगा। मैंने क्या बताया, ऐसा स्पीसीज जिसके ऊपर, स्पीसीज मतलब कोई भी एक एटम है उसके ऊपर अगर निगेटिव चार्ज लगा तो क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रल एटम भी तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ। अब उसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज लग गया तो इसका मतलब ये अब पाई डोनर की तरफ ही बिहेव करेगा, पाई डोनर की तरफ बिहेव करेगा। और क्यों करेगा, क्योंकि मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये निगेटिव चार्ज इसमें बैक पाई बॉन्डिंग करता है, जिसको बोलते हैं बैक पाई बॉन्डिंग, इसलिए पाई डोनर है, पाई डोनर की तरफ बिहेव करता है। यहाँ पे सिग्मा डोनर भी बिहेव कर रहा है प्लस पाई डोनर की तरफ भी बिहेव कर रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड लाइक कैरेक्टर बनेगा, जब भी सिंगल बॉन्ड और एक और दूसरा बॉन्ड बनने लगता है तो उस केस में हम बोलते हैं वहां पे पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको पाई डोनर लेयर इसलिए बोलते हैं। थैंक यू सो मच, ठीक अच्छा है, मोस्ट वेलकम संध्या जी। तो इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। उससे पहले आप लोगों के लिए टारगेट महाराष्ट्र से 2024 के लिए 500 प्लस हमारे रिजल्ट्स हैं आईएफएस के, और गाइस फटाफट जाइए रजिस्टर करिए। कहाँ रजिस्टर करना है, www.ifsonline.com पे रजिस्टर करिए, और कूपन कोड आप अप्लाई करिए IFS99, और आप ₹1 में टेस्ट सीरीज को लेकर के, मैंने क्या बताया, टेस्ट सीरीज को लेकर के सारे क्वेश्चन को देख के जाइए एग्जाम में, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जब एग्जाम में जाएंगे तो लगेगा हाँ यार मैंने कुछ तो पढ़ के आया हूँ, मुझे 100 क्वेश्चन के आंसर पता है। अगर वो 100 क्वेश्चन दिखेंगे ना तो मेरी गारंटी है आप आंख बंद करके कहेंगे आंसर ये होगा सर, तो जब आंसर ये होगा तो हमारा सिलेक्शन तो होना ही होना है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करके जाइए। चलिए गाइस देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। पाई एक्सेप्टर रिंग, पाई एक्सेप्टर में हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब जैसे हमारे पास CO है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, या हमारे पास कोई पिरिडीन मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास, तो इन सब केसेस में जब भी पूछा जाए कि सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर कब होगा, तो उस केस में आप ये ढूंढिएगा मॉलिक्यूल में कि इसमें डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो वो हमेशा शो करेगा सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड का काम है सिग्मा डोनेट करना, ये तो काम करता ही है, हर एक एटम करेगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज है चाहे वाटर हो चाहे NH3 हो, सबके सब हमारे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, सारे स्पीसीज हमारे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। उसके साथ साथ अब इसके पास क्या दिख रहा है, पाई बॉन्ड दिख रहा है, जब भी पाई बॉन्ड दिख जाए तो समझ चाहिए कि इसके पास
पाई स्टार एंटी बाइंडिंग ऑर्बिटल खाली है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए बोलते हैं सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर। हमारा कौन सा लिगेंड होता है? सीओ सीएन एनओ। तो ये सब के सारे सारे के सारे जो है हमारे सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर होंगे। इसी तरीके से पिरिडीन, तो ये सब सारे के सारे पिरिडीन हमारा स्ट्रक्चर उस केस में भी देखते हैं, तो ये हमारा डबल बॉन्ड है यहाँ पे, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी अवेलेबल है। और जब पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन को भी ये लेगा, और जब लेगा तो इसका मतलब ये एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है, ये हमारा एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। और इस तरीके से हमारा जो ये भी ऑप्शंस को समझ सकते हैं, सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर, सॉरी यहाँ पे सिग्मा एक्सेप्टर लिखा है, यहाँ पे सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर लिखेगा, सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा कि जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये हमारा सीओ है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, तो सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। इस क्वेश्चन को भी समझ लीजिए और इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को भी आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो हम लोगों ने इसके बारे में तो ऑलरेडी देख लिया है, तो आगे चलते हैं। चलिए मोस्ट वेलकम प्रीति जी, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या होगा। तो अभी तक जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है वे बच्चे लाइक कर दें, और जिन बच्चों ने लाइक किया है वे बच्चे दोबारा अनलाइक नहीं करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने लाइक किया है वे बच्चे दोबारा नहीं करेंगे, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है वे लाइक कर दें फटाफट सेशन को। चलिए और इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इतनी बड़ी कहानी लिखी है और आप लोगों ने जो आंसर्स दिए हैं इतने शानदार तरीके से खटाक से आंसर दिए हैं। ये सब सारा खेल जानते क्या है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है, जब हम इस इलेक्ट्रॉन की फेयरिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, और डायरेक्ट कुछ भी नहीं किया होगा। मुझे पता है जितने बच्चों ने आंसर दिए हैं सब डायरेक्ट ही माइंड में सेट किए हुए हैं कि ये कंडीशन है तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फेयरिंग हुआ होगा और इस तरीके से हमारा इस केस में आंसर आएगा। तो ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपने प्रैक्टिस किया होता है, तब प्रैक्टिस से ही आता है सारी चीज। तो मैक्सिमम बच्चों ने थर्ड ऑप्शंस कहे हैं, और जैसे कि बाकी ऑप्शंस देख के ही लग रहा है कि सर D1 है D3 है, तो इसमें सर स्प्लिटिंग करके देखेंगे तो सर T2G में तीन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में है, और D10 में भी सर कंप्लीटली फुलफिल्ड है, और हमारा सारे के सारे केसेस में 1 है 3 है और 10 है, तो इसमें फेयरिंग करके आप आसानी से देख सकते हैं। तो जैसा कि आंसर्स दिया गया है D1, D2, D3, D8, D9, D10 सिस्टम आर सेम। बिल्कुल शेखर जी आपने एकदम सही शानदार चीज बताई है कि सर D1, D2, D3 के केस में चाहे हमारा हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो, हर एक केस में सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग की जाती है वो सेम रहता है सर, चाहे हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो। क्या क्या सर? D1, D2 एंड D3, और सर उसके बाद हमारा D8 और D9 अब DTN सिस्टम में हमारा हाई स्पिन और लो स्पिन की बात ही नहीं करते सर, ये सारे केस में सेम होता है, हाई स्पिन एंड लो स्पिन की बात ही नहीं करते सर, हाई स्पिन एंड लो स्पिन की बात नहीं करते इसमें, इस केस में सर हाई स्पिन लो स्पिन की बात ही नहीं करते, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे केस में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम फिलिंग किया जाएगा। और इस तरीके से जो बचा के ऑप्शन हमारे पास D1 में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो चाहे हमारा हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो, दोनों केस में हमारा CFSC वैल्यू सेम आएगा। क्वेश्चन में पूछा द CFSC इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो आर नॉट सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डी कॉन्फिगरेशन। तो डी कॉन्फिगरेशन दिया है, उसमें पूछा है कि हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में किसमें हमारा CFSC वैल्यू सेम नहीं होगा। तो सर D5 के केस में अगर आप देखेंगे
तो एक हमारा हाई स्पिन बना लेते हैं। हाई स्पिन के केस में आप सीएफएससी वैल्यू निकालेंगे तो जीरो आ जाएगा, ये हमारा सीएफएससी वैल्यू जीरो आ जाएगा क्योंकि आपको ये पता है कि यहाँ पे हमारा माइनस 0.4 होता है और यहाँ पे प्लस 0.6 होता है, 6 इंटू 2 और यहाँ पे माइनस 0.4 इंटू 3 क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारा माइनस 1.2 हो गया और ये प्लस 1.2 हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो हमारा जीरो हो गया। और इसी तरीके से अगर हम इसका हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे तो हमारा इस तरीके से फिलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये हमारा खाली है और यहाँ पे अब 5 है तो माइनस 0.4 इंटू 5 कर दीजिए तो यहाँ पे सीएफएससी माइनस 2.0 देखने को मिला। और इस तरीके से हमारा सीएफएससी में आप आसानी से देख सकते हैं। तो इस बिहाफ पे करेक्ट ऑप्शन जो आप लोगों ने दिया है सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बहुत शानदार आंसर दिया है आप लोगों ने, जबरदस्त। चलिए गाइज तो देखते हैं हम लोग और भी क्वेश्चंस और मजेदार क्वेश्चंस देखते हैं इस बार क्या बात है। चलिए शानदार क्वेश्चंस आपके सामने हैं और इस क्वेश्चंस को देखिए और बताइए क्या होगा आंसर। आप लोग बात नहीं मानते हैं, आप लोग जिद्दी बच्चे लगते हैं, जिद्दी बच्चे। आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया अभी तक। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ सर ने मुझे कुछ नई चीजें बताई हैं, तो आप लोग फटाफट लाइक्स को ठोक दें, लाइक्स को ठोक दें। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या होगा आंसर। आंसर्स आ रहे हैं सर, ए ऑप्शंस भी आ रहे हैं, बी ऑप्शंस भी आ रहे हैं। सभी लोग सोच के आंसर दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। गुड आफ्टरनून प्रेमलता जी, चलिए बताइए सभी लोग आंसर क्या होगा। अभी आप लोगों ने आंसर पे आप लोगों ने विराम लगा दिया है, अभी आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल आंसर सभी लोग देते रहिए, आंसर देने से ही आपको मैंने कितनी बार बताया है कि गलती करके सीखिए, नहीं तो अब नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे। एक छोटी सी लाइफ है, बार बार यही चीज करने थोड़ी आएंगे हम, एक बार में सिलेक्शन लेके निकल जाएंगे। गलती करिए तब तो सीखेंगे, पहले गलती करिए फटाफट, सभी लोग गलती करिए। नहीं पता कोई बात नहीं सर, हम सीख लेंगे, जब सीखेंगे तभी तो कुछ अच्छा करेंगे। आप लोग बिल्कुल बेहिचक आंसर दिया करिए, चाहे कुछ भी आपको पता हो चाहे ना पता हो आंसर दीजिए। गलती से आपके दिमाग में जो आपका हाइपोथैलेमस है उसको पता है कि आप क्या चीजें सीखना चाहते हैं, आपको नहीं पता है लेकिन उसको पता है। बिल्कुल यस ब्लॉक इज मोर पॉजिटिवली। और यहाँ पे मंजू जी कह रहे हैं सर बी ऑप्शंस, यहाँ पे यस ब्लॉक एलिमेंट तो मैंने अप्लाई ही नहीं किया, आज अच्छी एक भी यस ब्लॉक एलिमेंट है ही नहीं हमारा इसमें, थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को। और यहाँ पे अमृता जी कह रहे हैं सर डी ऑप्शंस, ऋतुजा जी कह रहे हैं सर डी ऑप्शंस, ऋतुजा जी ए ऑप्शंस कह रही हैं। चलिए तो क्या बात है, पढ़ के एजुकेशनल फाउंडेशन, शानदार नाम है आपके, क्या बात है, शानदार जबरदस्त एजुकेशनल फाउंडेशन। बिल्कुल गलती से ही सीखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है
द लिस्ट बेसिक एमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सबसे कम बेसिक नेचर को शो करता है। क्वेश्चन हमारा है कौन सबसे कम बेसिक नेचर को शो करता है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का हार्ड ऑक्साइड है, लेंथेनियम का हार्ड ऑक्साइड है, सेरियम का हार्ड ऑक्साइड है और लुटेशियम का हार्ड ऑक्साइड है, जो कि ये तीन के तीनों हमारे यह ब्लॉक एलिमेंट है, यह ब्लॉक एलिमेंट है। और यह ब्लॉक एलिमेंट में हमने देखा है ये कौन सा है, ये लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट है, लेंथेनाइड सीरीज है, लेंथेनाइड सीरीज है। और आपको ये बात भी पता है कि ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, बेसिक नेचर को शो करते हैं। बट ALOH का होल थ्रैश जो है, आपको शायद याद आ रहा होगा कि सर ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। और एम्फोटेरिक इन नेचर होने से आपको एक बात कंफर्म हो गया होगा क्या, कि सर एम्फोटेरिक है तो इसका मतलब ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर दोनों को शो करता है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर, दोनों नेचर को शो करता है। और क्यों शो करता है, क्योंकि यहां पूछा लिस्ट बेसिक, और आपको एल्यूमिनियम के केस में पता है कि एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है इसके पास, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, कौन सा वैकेंट, डी ऑर्बिटल। या तो यहां पे अगर एल्यूमिनियम का देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख ले सकते हैं 1s2 2s2 एंड 2p 6 एंड 3s2 एंड 3p 1 एंड यहां पे हमारे पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल अवेलेबल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो इस तरीके से इसके पास हमारे पास अब एक्साइट करके अगर आप देखना भी चाहें तो 3s में दो इलेक्ट्रॉन है, तो 3s में दो इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया, ठीक है। और p में कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, ये हमारा 3p हो गया, 3p1 हो गया। और अब हम इसमें एक्साइटेशन कराएं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो s में है ये जम करके यहां चला जाएगा p में, और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा 1, 1 एंड 1। अब बचा एक वैकेंट ऑर्बिटल, एक वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, और इसलिए हम बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल। जब वैकेंट पी ऑर्बिटल अवेलेबल है, इसका ये मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है इसका मतलब ये है कि ये लेविस एसिड की तरह भी है, करना चाहता है। और आपको पता है ALOH का होल थ्रैश या BOH का होल थ्रैश सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इनके पास 6 pi इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, न कि 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, न कि 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जो कि ऑक्टेट सिस्टम को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा लिस्ट बेसिक है इन कंपेयर टू 3, इन कंपेयर टू 3 अदर्स, ओके। चलिए, तो यहां पे जितने बच्चों ने ए ऑप्शन बताया था उन्होंने सही ऑप्शन बताए थे। क्या मंजू जी आपको समझ में आया, अमृता जी आपको समझ में आया ये चीज, अमृता जी, मंजू जी आप लोगों को समझ में आया, शेखर जी फटाफट चैटिंग बॉक्स में बताइए हाँ सर समझ में आ गया, तो फिर हम आगे चले। अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे चले। दीपक जी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन ना कि बी, ए ऑप्शन, ALOH का होल थ्रैश मोर एसिडिक इन नेचर, और लेंथेनियम हमारा जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है, जो कि मेटल है, मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि लेंथेनियम हमारा डी ब्लॉक में आता है, न कि एफ ब्लॉक में आता है, लेंथेनियम हमारा डी ब्लॉक में आता है, सॉरी लेंथेनियम हमारा डी ब्लॉक में आता है, क्योंकि वहां पे लेंथेनियम कब आता है, हमारा 5d सीरीज एलिमेंट में लेंथेनियम, फिर हाफनियम वहां पे रहता है, तो उसके बीच में हमारे आते हैं लेंथेनाइड, तो हमारा लेंथेनाइड जो है हमारा वो हमारा हाइड्रोक्साइड जो होगा बेसिक नेचर होगा। चलिए, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बताइए क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या होगा। चलिए शेखर जी बहुत अच्छी बात है, चलिए तो फिर आप लोग एक काम करिए फटाफट सभी लोग, अभी जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है वे बच्चे फटाफट सेशन को लाइक कर दें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है बट ये एक्सेप्शन है, याद रखिए एक्सेप्शन है, और ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है मेन ग्रुप में, और बच्चे हमेशा गलती करते हैं, तो आप लोग गलती मत करिएगा और सोच समझ के आंसर बताइएगा। मैंने कहा ये एक्सेप्शन है प्रेमलता जी, मैंने कहा
ये एक्सेप्शन है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और हर बार आता है, हर बार बच्चे गलती करते हैं। कभी ऑर्डर पूछ लिया जाता है, कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि किसमें मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी होगा। बॉन्ड एनर्जी कहने का मतलब ये है किसके बीच में स्ट्रांग बॉन्ड होगा जिसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी कहने का मतलब ये है किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उस केस में हमारा मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी होगा। जिसके पास स्ट्रेंथ ज्यादा हो, मजबूती ज्यादा हो, उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। सोच विचार के बताइएगा कि मैंने सब कुछ बता दिया क्या कि एक्सेप्शन है और ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और बच्चे हमेशा गलती करते हैं। लेकिन जितने बच्चे हमारे साथ आज जुड़े हैं वे बच्चे इस एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। अगर ये क्वेश्चन मिलता है तो इस एग्जाम में गलती नहीं करना है, ये क्वेश्चन करके आना है। चलिए, इसमें कुछ बच्चों ने आंसर भी दिए हैं, कुछ बच्चों ने बी कहा, कुछ बच्चों ने ए कहा। तो सभी लोग आंसर बताएं क्या होगा इसमें। तो कुछ बच्चों ने बी कहा, कुछ बच्चों ने ए कहा, कुछ बच्चों ने कहा है डी ऑप्शन। आरती जी कह रहे हैं सर डी ऑप्शन। तो सारे ऑप्शन तो आ गए हैं, अभी कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिए हैं। मैं चाहूंगा सभी लोग आंसर दे दें ताकि कम से कम इसी बहाने आजमा ले कि हमारी किस्मत क्या चल रही है, और लक आजमाना बहुत जरूरी है। ऑप्शन तो सामने है, आंसर भी सामने है, तो लक तो आजमा लीजिए। लक आजमाएंगे तो पता चलेगा हमारी किस्मत अच्छी चल रही है, इस बार सिलेक्शन तो होना ही होना है, तो लक आजमाइए। और यहाँ पे लक आजमाने में अभी तक कुछ बच्चों ने लक नहीं आजमाया। रिश जी कह रहे हैं सर 100% ए ही होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। और प्रेम लता जी बता रहे हैं सर बी ऑप्शन। तो जिन बच्चों को अभी अपनी किस्मत पे भरोसा है वे अपना आंसर दे सकते हैं, आजमाइए, तुक्के मारिए, देखिए क्या होता है। एक फ्लुक तो करिए, इसमें तुक मारिए ना, कोई तुक्का मारिए, तुक्का मार के बताने में क्या दिक्कत है। कम से कम इसी बहाने क्रास तो चेक करिए कि हमारी किस्मत अच्छी चल रही है, इस समय हमें पैसे लगाने चाहिए 311 में। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। तो इसमें मैक्सिमम बच्चों के आंसर्स आए, अभी आंसर्स आने शुरू हैं। पूजा जी कह रहे हैं सर ए ऑप्शन। पी वालों को इन्होंने क्या कहा, डिलीट करके आंसर्स बदल दिए। अच्छा, शेखर जी ने कहा सर बी वाले जो है ऑप्शंस हैं उन्होंने डिलीट करके ए ऑप्शंस कर दिया। तो चलिए हम बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी जो होता है, जैसे फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन में जब F2 मॉलिक्यूल बनता तो है, बट फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी है। साइज जैसे फ्लोरीन की साइज छोटी है और फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कितना है इसका, 4.0 है। इसका मतलब 4 हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका भी है, इसका भी है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये जब आते हैं क्लोज में तो इसमें इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बीच में साइज छोटे होने से वजह से सेम साइन होने की वजह से यहाँ पे लाइक पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है। जैसा कि आपको पता है अगर 6 लोन पेयर इसके पास भी है, 6 लोन पेयर इसके पास भी है, साइज छोटी है, काफी क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसके बीच में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो बॉन्ड हमारा इंक्रीज कर जाता है। जब बॉन्ड इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब दो लोग के बीच में बॉन्ड जो है काफी दूर का है, तो एक यहाँ पे है दूसरे यहाँ पे है, तो उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है, उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। जिसके बीच में थोड़ा क्लोज होंगे वो ज्यादा अच्छा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएंगे। क्लोज होने का मतलब समझते हैं ना, क्लोज होने का मतलब तो समझ ही गए होंगे कि जो क्लोज होते हैं उनकी एनर्जी अच्छी खासी होती है, जो काफी डिस्टेंस में होते हैं उनके बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग हो ही नहीं रही है, तो वे बॉन्ड वीक होंगे, तो उसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा। और इसी तरीके से जस्ट इसी के नीचे क्लोरीन आता है, क्लोरीन की साइज थोड़ी बड़ी होती है इन कंपेयर टू फ्लोरीन, तो थोड़ी बड़ी साइज होने की वजह से चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस पे पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है मतलब स्पेस थोड़ा खाली है, और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कंपेयर टू
स्टोरी थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है और जिसकी वजह से ये क्लोज आते हैं और साइज भी बड़ी है तो उतना क्लोज नहीं आते, हाँ लेकिन एक डिस्टेंस तक क्लोज आएंगे और उसके बाद एक स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं। ये सबसे स्ट्रांग बॉन्ड बनाएंगे और जब सब देखा जाता है तो Cl2 का स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड होता है, उसके बाद ब्रोमिन की भी साइज थोड़ी बड़ी होती है और इस केस में भी स्ट्रांग बॉन्ड देखने को मिलता है और इसकी वजह से Br2 यहाँ पे आ जाता है और फिर इसके बाद हमारा आता है क्लोरीन और फिर हमारा आता है आयोडीन। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड एनर्जी अगर पूछा जाए क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन में तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड हमारा क्लोरीन का होता है और ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो कभी डायरेक्ट इस फॉर्म में क्वेश्चन बन जाता है, कभी ऑर्डर के फॉर्म में बनता है। तो दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग दोनों चीज़ों को जानते रहिएगा कि इसकी साइज थोड़ी बड़ी है और इसकी वजह से यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कंपेयर टू फ्लोरीन ज़्यादा देखने को मिलता है। साइज छोटी फ्लोरीन की तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा, तो दोनों एटम बहुत दूर भाग जाते हैं, जब दूर भागेंगे तो उस केस में हमारा बॉन्ड एनर्जी वीक हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारा वीक है तो एनर्जी थोड़ी कम देंगे तब भी वो बॉन्ड टूट जाएगा। तो इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलिए तो आरती जी क्या आपको समझ में आया ये चीज, और प्रेमलता जी क्या समझ में आया आपको? जिन बच्चों ने ए ऑप्शन कहा था उन्होंने एकदम सही जवाब दिया है। और साक्षी जी आपको समझ में आया? फटाफट चैटिंग बॉक्स में बताइए क्या आप लोगों को समझ में आया आंसर। चले फिर हम आगे वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले आप लोगों के सामने टारगेट महाराष्ट्र सेट के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस पीक टेस्ट मिल रहा है 30 मार्च में को 2024 में, और यहाँ पे प्रैक्टिस पीक टेस्ट सेकंड अप्रैल को हो रहा है। तो आप लोग फटाफट जाइए हमारे आईएफएस साइट पे और ये टारगेट जो एमएस सेट का है, इस टारगेट सेट में जो सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे 6 अप्रैल को भी है, तो ये अभी भी आपके पास टाइम है, तो जाके इसको ज्वाइन करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए हाँ, साइज की बेस पे तो आयोडीन बहुत बड़ी है, बट आयोडीन की साइज बहुत बड़ी हो जाती है, तो आयोडीन की साइज जब बहुत बड़ी हो जाती है तो उसके बीच में अब बॉन्ड बहुत बड़ा साइज है, तो रिपल्सन यहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत डिस्टेंस मेंटेन हो गया, तो इसके बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो बहुत वीक बन जाता है। इन कंपेयर टू फ्लोरीन के से भी ज्यादा आयोडीन की साइज बहुत बड़ी है, दोनों के बीच में एक यहाँ आयोडीन है, एक वहां देश के कोने है उत्तर प्रदेश में है, तो दूसरा हमारा पुणे में है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो क्योंकि साइज बहुत बड़ी है, यूपी की साइज बहुत बड़ी है, आपको पता है क्षेत्रफल में भी बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, उसके पुणे की साइज थोड़ी समझ सकते हैं, पुणे भी बड़ा ही है क्योंकि महाराष्ट्र में आता है, तो इसकी भी साइज बहुत बड़ी है, तो इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन बहुत कम है, तो इसकी वजह से ये बॉन्ड बहुत वीक होता है इन कंपेयर टू फ्लोरीन। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या होगा।
चलिए यहाँ पे आंसर्स आ गए हैं सभी बच्चों के, ए ऑप्शन आ रहे हैं। तो चलिए बहुत शानदार, आप लोगों ने इस क्वेश्चन का तो बहुत शानदार आंसर दिया है। क्यों? क्योंकि सर आप लोगों को पता है कि यहाँ पे सर सीओ लगा है। सीओ क्या होता है? हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने का मतलब है क्या? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब ये है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पेयरिंग में होंगे, और निकिल हमारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है जो कि 3d8 में है, बट यहाँ पे हमारा CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में है तो इसकी वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में होंगे, और इसकी वजह से यहाँ पे जो देखने को मिलता है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है। और जैसा कि निकिल, CO हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, CO हमारा क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड है तो इसकी वजह से हमारा निकिल पे कोई चार्ज नहीं आएगा, निकिल पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो इस बिहार पे जितने बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है उन बच्चों ने, सभी बच्चों ने आंसर ए ऑप्शन जो है दिया है करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए गाइस देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस पूरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सबसे शानदार क्वेश्चंस है, सबसे शानदार क्वेश्चंस है। और इस क्वेश्चंस में अगर आप लोग आंसर समझ गए तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है, हमको लगता है सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर निकिल Cn5⋅ तो निकिल हमारा किसमें है? प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस टू में है तो 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। शेखर जी तुरंत समझ गए सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखे और तुरंत समझ गए सर सी ऑप्शन होने वाला है। क्या बात है, देखते हैं क्या सही बात बताया है आपने या थोड़ा बहुत मिस्टेक किया है, वो तो बाद में पता चलेगा। बट आंसर सभी लोग दीजिए तो उसके बाद हम बात करेंगे इस पे। सभी लोग आंसर दीजिए तो उसके बाद हम बात करेंगे। और यहाँ पे निकिल का जो कि स्ट्रक्चर जो बनेगा साइनाइड 5 दिया है, तो इसका मतलब साइनाइड हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये हमारा इस तरीके से जुड़ेगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा ट्रू नहीं है। क्वेश्चन भी पूछ रहा है कौन सा ट्रू नहीं है इसमें से। तो जितने बच्चों ने सी ऑप्शंस कहा है उन्होंने सही जवाब दिया है, क्योंकि ऑल एक्जियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन इक्विटोरियल, एक्जियल बॉन्ड इसमें लॉन्गर होता देन इक्विटोरियल, ये तो बात सही है। और दूसरा कहा है डी जेड स्क्वायर हैज हायर एनर्जी डेंसिटी देन डी एस स्क्वायर। स्प्लिटिंग में देखेंगे टीवीपी ज्योमेट्री का जब स्प्लिटिंग देखेंगे तो उसमें देखेंगे तो आपका डी एस स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑर्बिटल का जो उसकी एनर्जी होती है इन कंपेयर टू डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल से कम होती है। और अगर आप देखें ऑल मेटल लिगेंड बॉन्ड आर इक्वल इन लेंथ तो ये बात गलत है, ये नहीं होता है। बाकी इट इज स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स, तो ये हमारा टीवीपी ज्योमेट्री ना बन करके हमारा स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स बनता है, ये हमारा टीवीपी ज्योमेट्री ना बन करके ये स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स बनता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। टीवीपी ज्योमेट्री ना बन करके सॉरी यहाँ पे टीवीपी ज्योमेट्री नहीं बनता है, ये हमारा बनता है स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। और इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है इस केस में। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के केस में आप देखेंगे तो हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। और ये करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का पूछा है कौन सा ट्रू नहीं है, तो ट्रू हमारा ये ऑप्शन नहीं है ऑल मेटल लिगेंड बॉन्ड आर इन इक्वल इन लेंथ, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको इस तरीके से बॉन्ड देखने को मिलेगा स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। और इस बिहार पे जो करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, और जितने बच्चों ने सी कहा है उन्होंने सही आंसर दिया है। चलिए शेखर जी कह रहे हैं सी एंड डी,
नहीं, यहाँ पे टीबीपी ज्योमेट्री नहीं, साइनाइड हमारा जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होता है तो ज्योमेट्री चेंज कर देता है, और यहाँ पे हमारा देखने को मिलता है स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आप लोगों के सामने है प्रिपरेशन विद आईएफएस, आईएफएस के साथ आप प्रिपरेशन के साथ जुड़ जाइए, और महाराष्ट्र सेट 2024 फॉर फ्री। आपको अगर महाराष्ट्र सेट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारे आईएफएस के साइट पर जाकर के आवर बेस्ट फैकल्टीज डेमो वीडियो, एग्जाम पेपर एनालिसिस, कट ऑफ, फ्री पीवाईकेज, फ्री वीडियोज, फ्री रैंकर स्ट्रेटजी और डिटेल अबाउट महाराष्ट्र सेट 2024 आप लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ये भी देख सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, सभी लोग चैटिंग बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका भी बात सही है, बट यहाँ पे जो हमारा जेटीडी ना अप्लाई होकर के हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं, यहाँ पे हम ए केमिस्ट्री जी यहाँ पे हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं, जो कि हमारा निकिल जो है स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बना है, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री ऊंचा बना है, और उस केस में हम जेटीडी हम जब भी अप्लाई करते हैं तो हम जनरली अप्लाई करते हैं ऑक्टेटल कॉम्प्रेशन में, स्क्वायर पिरामिड में भी अप्लाई होता है, बट इस केस में हमें जनरली ये देखने को मिलता है सारे बॉन्ड लेंथ जो होते सेम देखने को नहीं मिलता स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में। स्प्लिटिंग के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, स्प्लिटिंग के बिहाफ पे बात कर रहे हैं। चलिए आंसर दीजिए, इसमें आप बाउस प्रिंसिपल लगा दीजिए और आसानी से आंसर निकाल लीजिए। ओके इसमें पूछा है 4D, 5P, 5F एंड 6P ऑर्बिटल आर अरेंज इन दियर ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। तो डिक्रीजिंग एनर्जी जब भी निकालना हो तो n प्लस ईयर रूल लगाइए अकॉर्डिंग टू अबाउस प्रिंसिपल, जिसमें n प्लस ईयर की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब n प्लस ईयर निकालने का मतलब है n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l क्या है हमारा AG मूथल क्वांटम नंबर है, और यहाँ पे अब दिया है n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5 प्लस l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, इस बिहाफ पे l अगर 0 है तो समय s सबसे होगा, 1 है तो p होगा, 2 है तो d होगा, और 3 है तो f होगा, एंड 4 है तो g होगा। तो यहाँ पे f है, f के लिए हमारा 3 है, f के लिए हमारा क्या है 3 है, तो ये हमारा 8 हो गया, और 6p है तो 6p को हम देखेंगे तो इसमें n प्लस l लगाइए 6 प्लस 1, क्योंकि p के लिए हमने 1 रखा है, तो इस तरीके से यहाँ पे 7 आ गया, और इस तरीके से हमारे पास क्या है 5p दिया है, 5p के केस में 5 प्लस 1 कर दीजिए और ये हमारा 6 हो गया, और इसी तरीके से 4d दिया है, 4d के केस में हमारे पास 4 प्लस d का क्या है d का 2 है, तो हमने यहाँ पे 4 प्लस 2 कर दिया तो ये हमारा 6 आ गया। अब इन दोनों केस में हमारे पास यहाँ पे भी n प्लस l की वैल्यू 6 आई, यहाँ पे भी n प्लस l की वैल्यू 6 आई, तो आपको ऐसे केस में देखना होता है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि 5 जो है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा है इन कंपेयर टू 4d,
इसलिए सबसे कम एनर्जी 4D का होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 6 आई है और इसकी भी वैल्यू 6 आई है। इन दोनों केस में दोनों सेम थे लेकिन 5 जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारा 5 है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। 4D की एनर्जी सबसे कम 5P की उसके बाद और यहाँ पे 6P में हमें क्या देखने को मिला वैल्यू 7 तो इसकी एनर्जी और इसकी वैल्यू हमें देखने को मिला 8 जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा तो 8 वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा फिर इसके बाद 7 वाले की एनर्जी उसके बाद हमारे पास जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा था उसकी एनर्जी ज्यादा होगी फिर उसके बाद हमारा 4D का होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्या समझ में आया सुमैया जी क्या आपको समझ में आया सैयद जी फटाफट चैटिंग बॉक्स में बताइए क्या आपको समझ में आया। चलिए ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो फिर गाइस आज के लिए बस इतना ही और इसके साथ साथ टारगेट महाराष्ट्र से 2024 एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज जो मिल रहा है आप लोगों को मात्र ₹1 में मिल रहा है और आप लोग अभी भी टाइम चल रहा है तो आप लोग ले लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करके जाइए। क्वेश्चन सॉल्व करके हमने बता दिए सारे बेनिफिट्स तो आप लोग बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइए और अभी भी टाइम है तो बिल्कुल लेट मत करिए फटाफट ifsonline.com पे जाइए और वहां से आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिए ₹1 में और कोड भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। वहाँ पे कोड अप्लाई करने पे IFS99 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास सुबह हो चुकी है पराग जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास हो चुकी है सुबह मॉर्निंग में। तो अब आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और अब कल के डेट में मिलेंगे हम लोग फिर से। और अगर आपको टारगेट महाराष्ट्र सेट 2024 प्रैक्टिस पीक मॉक टेस्ट सेकेंड जो है केमिकल साइंस का 2 अप्रैल को है जो कि आज हमारा 2 अप्रैल है तो शाम 8 बजे से स्टार्ट है। तो आप लोग जाइए फटाफट और यहाँ पे आप लोग जाके रजिस्टर्ड होकर के प्रैक्टिस पीक मॉक टेस्ट वहाँ पे अटेंड करिए और अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट्स है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर लीजिए आप लोग बात कर लीजिए। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही गाइज थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।